तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च कथितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महाबलाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय। भक्त्या विहीनापराध लक्ष्य क्षिप्तास्ति कामादि तरंग मध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम्। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्भरासे हे रूप दुर्गत जनै दयावलोकै हे भट्ट जुग्म सुमति रघुनाथ दास श्री जीव मे कुरुत मंद मति दयांगवरा। तमादि देवं करुणा निदानं तमालवर्णं सुहृदावतारं अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतं स्वरूपं। जन प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरहकातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुं स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सब कर हाथ ठाकुर बोला बोला हरि कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सतह श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोजन में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री सुखदेव गोस्वामी कैसे ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ में राधा रानी का नाम उन्होंने किसे छुपा करके दिया है। बोले उन्होंने छुपा करके क्यों नाम दिए? जब श्री सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत वर्णना करने जा रहे थे तो उन्होंने राधा रानी से प्रश्न किया। बोले हे ईश्वरियो आपका नाम को ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ में किस रूप में दे? तो राधा रानी का डायरेक्ट आदेश था मेरे नाम को कहीं तुम स्पष्ट रूप में नहीं बोलना, अगर देना तो मेरे नाम को छुपा करके देना। इसलिए कहीं उन्होंने तत् रूप में कहीं उन्होंने रमा शब्द रूप में
कहीं उन्होंने इंदिरा शब्द रूप में, कहीं उन्होंने गोपी, कहीं बधो, इसी रूप में ही उन्होंने भागवत में राधा रानी का नाम दिया। इसका दूसरा कारण बताते हैं श्री श्रीधर स्वामी, बोले राधा नाम उच्चारण मात्रेण षडमार्षिक मूर्छा भवे। जब से सुखदेव गोस्वामी एक बार राधा रानी का नाम लेते थे तो 6 महीना तो बेहोश हो जाते थे। उन्होंने देखा मेरे पास में कुल 7 दिन ही है, अगर मैं 6 महीना तक बेहोश हो गया तो फिर राधा रानी का नाम फिर हम कैसे उच्चारण कैसे कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने राधा जी का नाम उन्होंने उच्चारण किया। इसका तीसरा कारण बताते हैं, जैसे मेहंदी पत्ता देखने में तो हरे हरे देखे कि नहीं, मेहंदी पत्ता कैसे रंग के हो, हरे रंग के, लेकिन वास्तव रूप में क्या हरे है? नहीं, उसकी कण कण में लालिमा है, लेकिन वो कैसे प्रकट होता है? बोले उसको पीसो तब भी देखोगे तब भी वो हरा हरा दिखती है, लेकिन जब माताएं हाथों में मेहंदी लगा देते हैं फिर कौन सा रंग हो जाता है? लाल हो जाता है। फिर तो महीना तक धोने पर भी ये रंग नहीं छोड़ती है। इसलिए कहते हैं अंदर में झांक करके देखेंगे तो कहते ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ में राधा जी के नाम के सिवाय कुछ नहीं, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा? बोले उसको पीसो, पीसो मतलब साधन करो। जब साधन करेंगे तब भागवत में सर्वत्र राधे राधे और राधा रानी का नाम हमें दिखाई पड़ेगा। इसका पंचमाचरण कहते हैं, उदाहरण देते हैं, जो कृष्ण भक्ति है कहती है जैसे कि बहता हुआ नदी, और राधा रानी का जो भक्ति एक कुएं के जैसे पानी जैसे बहता हुआ नदी का पानी एक जानवर भी पी सकता, इंसान चिड़िया सबके सब पी सकते हैं, लेकिन जो बहता हुआ जो नदी का पानी, कोई स्नान कर रहे हैं, कोई कपड़ा धो रहे हैं, लेकिन जो कुएं का पानी एकदम निर्मल शुद्ध और ये ठंडा होता है, लेकिन इसको कौन पी सकता है? बोले जिसको पास में कोई रस्सी कोई पात्र होना वही व्यक्ति ये पानी को पी सकता। मतलब क्या है? बोले मतलब है जब तो कोई शुद्ध वैष्णव संप्रदाय में नहीं आए, और जिस संप्रदाय में लाइट नहीं है, इसलिए बंद कर दिया मैंने। Thank you.
जब तक हम किसी रस्सी की परंपरा में नहीं आएंगे, जिस संप्रदाय में राधा रानी की ही विशेष करके पूजा होती है, उनकी आराधना होती है, इसलिए केवल तब तक ये राधा रानी की भक्ति को कोई प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हमारी जो संप्रदाय है, हमारा जो संप्रदाय है, इसका नाम ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। इसका तात्पर्य है हम श्री ब्रह्मा जी की परंपरा में आए, क्योंकि ब्रह्मा जी ये जो बरसाना, ये बरसाना कौन है? बोले ये ब्रह्माचल पर्वत। राधा जी के हृदय में, श्री ब्रह्मा जी के हृदय में राधा रानी के चरण की सेवा की भावना है, इसलिए ब्रह्मा जी ये बरसाना में, ये पर्वत रूप में प्रकट हुए है। इसलिए गौड़ीय मतलब राधा रानी गौरी है, इसलिए हम लोग ये गौड़ीय, इसलिए विशेष करके राधा रानी की हम लोग विशेष करके हम महत्व देते हैं। इसलिए हमारे संप्रदाय में, इसलिए कलयुग में कृष्ण ही स्वयं राधा जी की भाव और अंग कांति लेकर के कलयुग में श्री सच्चिदानंद गौर हरि बन करके आते हैं। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की। इसलिए इस सब कारण बताए राधा जी का नाम को क्यों नहीं दी गई है, लेकिन दी गई तो कहाँ पर दी गई है? बोले भागवत में बहुत सारे स्थान पर श्री सुखदेव गोस्वामी छुपा करके उन्होंने राधा रानी का नाम को उन्होंने प्रदान किया। इसलिए कल हम लोग राधा रानी की जन्म महोत्सव हम लोग ने मनाया है। इसलिए कल श्रवण कर रहे थे कृष्ण जब पुतना को मारे, पुतना को मारने पर नंद बाबा गए हुए थे मथुरा में कंस को कर देने के लिए, टैक्स देने के लिए। वहां पर वसुदेव महाराज बोले, जब वसुदेव महाराज गुप्तचर से पता चलाया कंस का नेक्स्ट प्लान किया है, बोले उन्होंने पुतना को छोड़ दिए सारे बच्चों को मारने के लिए। जब वसुदेव महाराज नंद बाबा से मिलने के लिए गए, बोले नंद यहाँ ज्यादा समय रुका मत, जितने जल्दी से जल्दी तुम चले जाओ, गोकुल में कुछ वहाँ बाधा विपत्ति आ सकते हैं। जब नंद बाबा गोकुल में आए ना, देखा सचमुच ये पुतना मरी पड़ी हुई। बोले भैया नंद तो बहुत बड़ा ज्योतिषी है, उसको कैसे पता चला? बोले नारायण की कृपा से मेरे लाला बच गया है। बोले एक काम करो, अंदर में एरे एरे किसी व्यक्ति को घुसने मत दिया करो, जब तक मेरे और श्री जसोदा जी के आदेश नहीं हो। कड़ी पहरादार लगा दी। इतने में श्री भोले बाबा ठाकुर जी को दर्शन करने के लिए आए, जो सत्यम शिवम सुंदरम, नाम तो सत्यम शिवम सुंदरम, लेकिन उनका बाहर का जो वेश देखो ना, बड़े भयंकर है। शरीर में क्या लगाते हैं? शमशान की बहुत लगाते हैं, हैं बोले शमशान की बहुत क्यों लगाते हैं? और ये दुनिया को शिक्षा देते हैं, जिस शरीर में तुम इतने क्रीम पाउडर और तू जिम में ले जाते हो, ब्यूटी पार्लर में लेकर के सजाते हो, इसका परिणाम क्या है? दो मिनट राख है। इसलिए गले में हड्डी की माला, इसकी परिणाम दो टुकड़े हड्डी है। इसलिए शरीर प्रति ज्यादा ध्यान मत दिया करो, ध्यान दे तो किसको प्रति ध्यान करो? भगवान की भक्ति के प्रति ध्यान करो। इसलिए श्री शंकर जी पंचमुख राम नाम गान त्रिपुरारी, इसलिए शंकर जी पंचमुख में भगवान के नाम को जप करते हैं। कौन सा फूल चढ़ता है? बोले धतूरे और आकंद, जो फूल को हमारे वाक्य बिहारी ग्रहण नहीं करते, हमारे राम भी ग्रहण नहीं करते, जो जंगल में अपने आप हो जाए उसको धारण करते हैं। बोले क्यों? बोले जितने बढ़िया से बढ़िया फूल मेरे प्रभु की सेवा में लगेगा, मैं तो उनका सेवक है। जो चीज को कोई स्वीकार नहीं करते हैं, वो चीज को मैं ग्रहण करता हूँ। और शंकर जी की शरीर में अलंकार किया है, बोले सर्प, बोले ये सर्प कौन है? बोले ये शंकर जी के गुरु श्री अनंत देव है, ये अनंत देव उनकी गुरु है, शिक्षा देते हैं। जीवन में अगर अलंकार को धारण करना तो गुरु जी की उपदेश को ही जीवन में अलंकार रूप में धारण करो, जिससे तुम्हारे जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए शंकर जी परम वैष्णव है, वैष्णव नाम जथा संभो शंकर जी। इसलिए जो वैष्णव होते हैं वो अपने आप को छुपाने के लिए कोशिश करते, छप्पन नहीं, वो छुपाने के लिए कोशिश करते। शंकर जी को देखो कहाँ पर बैठे हुए, कैलाश में जाते, बर्फ ऊपर,
यहाँ पर कोई आए नहीं और मस्ती से मैं भजन कर सकता, लेकिन तब भी वहां लोग छोड़ते नहीं, तब भी वहां पर पहुंच जाते हैं शंकर जी के पास में है। लेकिन शंकर जी तो अपने आप को छुपवाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन कहते वो छुपा नहीं सके, बोले तार नहीं, शंकर जी के पास में सबसे पवित्र वस्तु शंकर जी के पास में, बोले वो क्या है, बोले उनको जटा में, कहते इनकी जटा में ये पतित पावन श्री गंगा जी रहती हैं, बोले श्री गंगा देवी की, इसलिए उन्होंने अपने आप को छुपा नहीं सके। इसलिए जब शंकर जी अलख निरंजन करते करते आए, वहां पर एक माता जी थी, बोले बाबा क्या चाहिए, बोले मैंने सुना है श्री नंद बाबा क्या का लाला भयो है, बोले लाला भय तो तेरे कहा भयो है, बोले लाला को थोड़ा जो प्रसाद है ना हम ठाकुर के सामने रखते, ठाकुर के सामने ये शुभानंद प्रभु जो जो प्रसाद लाते हैं ना वहीं पर रख लो और वहीं से ठाकुर को सब भोग लगाना। बोले श्री भोले बाबा की, इसलिए श्री शंकर जी इतने में गोपी बोली नंद के लाला भयो तो तेरे कहा भयो, बोले लाला को थोड़ा दर्शन करा दे, बढ़िया आशीर्वाद दूंगो। बोले बाबा हमारे कुछ दिन पहले ये पुतना आ गई थी और वो तो बड़ी सुंदर सर धज करके आई थी और तेरे को तो देख करके मेरा ही जी घबरा रहा है, लाला का दर्शन दर्शन नहीं होगा। उसने जाकर के मैया जसोदा से बोली कहां से एक बाबा आया है, मैया तो देख कर डर गई, बोले बाबा क्या बात है, बोले लाला को थोड़ा दर्शन करा दो, क्योंकि शंकर जी सोच रहे हैं भगवान के सारे लीला हमने दर्शन किया है लेकिन भगवान की बाल गोपाल स्वरूप को मैंने दर्शन नहीं किया, विश्व ब्रह्मांड को जो चलाने वाले उनको मैया जसोदा अंगुल पकड़ पकड़ करके धीरे धीरे चलाते हैं, विश्व ब्रह्मांड को जो खिलाने वाले उसको मैया जसोदा हाथों से खिलाती हैं, अगर भूख लेंगे तो लाला रोता है फिर मैया उनको भोजन कराती है, कहते ये लीला तो हमने देखा ही नहीं। इसलिए शंकर जी दर्शन करना शंकर जी चाहते हैं। इतने में मैया बोले बाबा लाला को बड़ी जल्दी नजर लग जाते, बोले चिंता मत कर मैं बढ़िया आशीर्वाद दूंगा लाला को, लेकिन मैया बोले लाला को मैं दर्शन नहीं कराऊंगी, बोले दर्शन नहीं कराऊंगा तो मैं यहीं पर बैठा रहूंगा, बोले देख बाबा मेरे चार दरवाजा है अगर यहाँ बैठोगे तो मैं दूसरे दरवाजा में निकाल दूंगा, बोले मेरे चार ही स्वरूप है, बोले मेरे 11 दरवाजा, बोले मेरे भी 11 रूप है, 11 रुद्र है, 11 रुद्र रूप में हर दरवाजा पर बैठ बैठ जाऊंगा, कभी तक कभी लाला को तो निकालोगे। इतने में शंकर जी बैठ करके त्रिशूल गाड़ दिए, धुन जमा करके वहां पर तो डम्बर बजाना शुरू कर दी, जब उन्हें डम्बर बजाए इतने में कृष्ण तो बड़ी जोर जोर से रोए, जितने जोर से डम्बर बजाए उतना जोर से कृष्ण रोते हैं, सारे परिवार परेशानी हो गए। किसने कहा मैया जो बाबा है ना वहां पर आंख बंद करके लगता है तेरे लाला पर कोई जादू तो ना कर रहा है। मैया ने काले कपड़े से ओढ़ करके मोटी मोटी काजल लगा दी, काजल का बूंद लगा दी, बड़े कष्ट से ला करके दर्शन कराती है शंकर जी को, बोले ले बाबा दर्शन कर, जो थोड़ी सी उन्होंने दर्शन कराए ना अभी तक तो कृष्ण जोर जोर से रो रहे थे, इतने में कृष्ण तो खिलखिला कर हंसने लगे, शंकर जी हंस रहे थे रोने लग गए। मैया को पता चला कि बाबा जरूर कुछ जानता है, क्योंकि लाला का तो रोना लेकर के अपना हंसना दे दिया, अगर माताओं को पता चले कि बाबा कुछ जादू चढ़ाने का हाथ रेखा देखना जानती है ना, माताएं घेर जाती, बोले बाबा अपना हाथ देख लो बताओ तो मेरे क्या होने वाले हैं, तरफ दिखा दो थोड़ी सी। इतने में बोले क्या करने पर मेरे लाला को नजर नहीं लगेगा, बोले एक काम करोगे तो नजर कभी नहीं लगेगा, बोले क्या करना पड़ेगा बताओ, बोले लाला का जब स्नान कराओगे ना मैं यहीं पर रहूंगा, आप लोग जो नंदगांव गए होंगे वहां पर देखना ऊपर में ये आशीष्वर महादेव है, ऊपर में नंदीश्वर महादेव है, जब भगवान को स्नान कराया जाता है वो चरणामृत तो सीधा शंकर जी के पास में आएगा और शंकर जी के सर पर चढ़ाएंगे। बोले और कुछ करना पड़ेगा, बोले अगर लाला को अगर प्रसाद मेरे को दे दोगे फिर तो लाला को कभी नजर नहीं लगेगा, अभी भी भगवान को जो भोग लगता है वो प्लेट डायरेक्ट आता है श्री शंकर जी के पास में। जब भगवान कोई वस्तु को ग्रहण करते हैं उसका नाम प्रसाद है, लेकिन वह प्रसाद
जब कोई भक्त ग्रहण करता है वो प्रसाद नहीं, वो महा महा प्रसाद हो जाता है। इसलिए जगन्नाथ पुरी में भी ऐसे ही, वहां पर माता विमला भी वहीं पर है। जब जगन्नाथ जी को प्रसाद भोग लगता है, ये विमला कैलाश छोड़ करके जगन्नाथ पुरी में बैठी हुई है, इसलिए मैं खाऊंगी और दुनिया को ये प्रसाद में लुटाऊंगी। इसलिए वहां जगन्नाथपुरी में भी वो प्रसाद नहीं, उसका नाम महा महा प्रसाद कहते हैं। वहां पर एक नियम है, जगन्नाथपुरी गए हो, कौन कौन जगन्नाथपुरी गए? अब देखना, जब जगन्नाथ जी को भोग लग जाती है, जगन्नाथ मंदिर को चारी तरफ में ये 33 करोड़ देवता बैठे हुए। एक वृद्ध व्यक्ति एक बहुत बड़ा मजीरा लेता है, जैसे ये है ना कि बहुत बड़े लेते हैं, और इसको कभी जाकर देखना पूरा ऐसे ऐसे बजा बजा करके पूरा मंदिर चारी तरफ में घूमेगा। बोले क्यों? बोले 33 करोड़ देवता श्री जगन्नाथ जी की प्रसाद की लोभ से बैठे, और वो कहते हैं ठाकुर जी को भोग लग गया है, देवताओं अभी तुम लोग आ जाओ ठाकुर जी को प्रसाद खाने के। इसलिए वहां पर भी प्रसाद का नाम महाप्रसाद है। नियम है कोई भी देवा देवी को डायरेक्ट कोई भी अन्न दाल सब्जी रोटी भोग नहीं लगानी चाहिए। लगाना तो पहले भगवान कृष्ण को, नहीं तो राम को लगाओ, नहीं तो नारायण को लगाओ, फिर ये प्रसाद 33 करोड़ देवता को दो। ये लोग बड़े प्रसन्न होकर के ये प्रसाद को स्वीकार करते हैं। बोले श्री भोले बाबा की। अभी कृष्णा धीरे धीरे बड़े हुए। बोले कितने बड़े हो गए? बोले 3 साल में देखना बच्चा करवट लेती। बोलो माइक है ना, माइक काम कर रहा। अरे माइक वहां पर भैया इनको दो। जरूरत है ना, तो नहीं लगाते।
करवट लेता है। हठात मैया ने देखा लाला ने करवट ले लिया। कृष्ण कौन? बोले राजा की बेटा है। मैया को कोई एक इंगित मिलने चाहिए कोई उत्सव करने का। जब देखे लाला ने करवट लिया, बोले आज घर में करवट लेने का हम उत्सव करेंगे। सारे ब्रज गोपियों को उन्होंने बुला दी, बुला करके अपना आंगन को साफ सुथरा करके जितने दूध दही मक्खन को एक दूर में एक बैलगाड़ी के ऊपर रख दिया और कृष्ण को स्नान करा के उसको बैलगाड़ी को नीचे लेटा दी। बोले क्यों? बोले गोपियाँ आएगी अभी गावेंगी नाचेगी, लाला का कच्चा नींद अगर खुल गया तो अभी इनको मैं संभालू ना लाला को संभालू, इसलिए दूर में लेटा दी। लेटा करके सब ब्रज गोपियाँ बैठ करके बोले जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला जियो श्याम लाला जियो सबसे बढ़िया आनंद किसको आता है? बोले कृष्ण को। कृष्ण कीर्तन में जितना आनंद आता है ना और किसी को इतना आनंद नहीं आता है।
इसलिए कलयुग में ये महाप्रभु का रूप में आने का यही कारण है। कृष्ण सोच रहे हैं मेरे अंदर में क्या माधुर्य है जिसको राधा रानी देखकर चमत्कृत हो जाती है और उनकी शरीर में तरह तरह का दीप भाव उद्दीपना होता है। इसलिए कृष्ण का आनंद को अनुभूति करने के लिए कलयुग में आप देखना कृष्ण होकर के महाप्रभु दिन रात हा कृष्ण जैसे राधा रानी दिन रात कृष्ण प्रेम में विभोर रहती थी ऐसे ही महाप्रभु विभोर रहते हैं। लेकिन कृष्ण तो चाह रहे हैं मैं भी आकर के कीर्तन का आनंद लूं, लेकिन आज ही कृष्ण करवट लिए, उनको घुटन पर भी चलना नहीं आता। बोले बाला नाम रोदलम बलम, बोले बालकों का कौन सा बल, बोले रोदन ही उनका बल है। अगर बच्चे रोए ना फिर मैया जाकर के उठा करके उनको दूध पिलाती है। कृष्ण ने सोचा अगर मैं थोड़ा रो लूं मैया की कान में आवाज पड़े हो सकता है माता जी मेरे को उठा करके ले जाएगी। कृष्ण ने बड़े जोर से रोना शुरू कर दिया, इतने कृष्ण रोए इतने रोए रो रो कर गला बैठ गया। बोले कब तक रोऊंगा, इतना तो रो लिया, मैया तो आकर ले नहीं रही है। क्यों मैया सब अड़ोसी पड़ोसी सब गोपियां आई, किसको क्या लेना किसको क्या देना उसी में ही मैया बिजी है। कृष्ण की इच्छा जान करके इच्छा शक्ति जोग माया ने ये कंस को प्रेरणा किया। इतने में कंस ने एक तृणावर्त दैत्य को उन्होंने भेज दिया। ये पहले जन्म में ये उत्कच हिरण्याक्ष का बेटा था। एक दिन उसने एक ऋषि की आश्रम पर प्रवेश करके सारे पेड़ पौधा सारे फूल फूल को उन्होंने तोड़ फोड़ दिया। बड़ा क्रोध आया ऋषि को, बोले भगवान इसलिए तेरे को इतने मोटे छोटे बनाए संतों को बाघ को उजाड़ने के लिए। बोले जा जिस शरीर में तेरी इतने अभिमान तेरे शरीर नहीं रहेगा। इतना बोलते ही उसको शरीर गायब होने लग गया। उसने देखा अभी क्या होगा, सारी नशा उतर करके आ गया, ऋषि की चरण में गिर पड़ी। अभी बताओ मेरी उद्धार कैसे होगी। बोले कृष्ण जब द्वापर युग में आएंगे कृष्ण का चरण स्पर्श से तुम्हारी उद्धार होगी। इसलिए इतने में वो तो सवार हो गया, किसको पर बैलगाड़ी के ऊपर सवार हो गया और धीरे 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 बैलगाड़ी को दबाना शुरू किया। सोचा नीचे कृष्ण सो रहे हैं, बस कृष्ण दब कर मर जाएंगे खत्म हो जाएगा। इसलिए इतने में कृष्ण जो छोटी छोटी चरण है, कृष्ण केवल 3 महीना उनने छोटी छोटी चरण को उनने चलाया, चलाते चलाते ऐसे ठोकर मारा तो वो बैलगाड़ी तो एकदम पलट गई, जितने दूध दही मक्खन सबके सब बिखर गया। सबके सब जो गोपियां बैठ करके कीर्तन कर रही थी बोले क्या हो गया, आंधी तूफान कुछ है नहीं, ये पलटी तो पलटी कैसे। आकर के देखा वहां पर कृष्ण वहां पर लेटे हुए कृष्ण और वहां पर सारे दूध दही बिखरा हुआ। लेकिन ये सखाओं ने देखा था ये कृष्ण के चरण स्पर्श से ही ये बैलगाड़ी पलट गई। इतने में जो ग्वाल वाल थे उन लोग बोले प्रभु जाओ ऊपर आ जाओ इधर इधर आ जाओ। इसलिए जो ग्वाल वाल थे आप लोग सामने बैठ गए। इसलिए जो ग्वाल वाल थे उन लोगों तोतली तोतली बोली से उनने बोलने के लिए कोशिश की, लेकिन मैया को विश्वास नहीं हुआ क्योंकि आज ही लाला ने ये करवट उन्होंने आज ही करवट उन्होंने लिया इधर इधर आ जाओ करवट उन्होंने आज ही लिया है। मैया को विश्वास नहीं हुआ तब कहते ये लीला में शिक्षा किया है। कहते इसमें ये शिक्षा है, कृष्ण कहते हैं जगत में सबसे बड़ा धन क्या है। बोले जगत में सबसे बड़ा धन है कृष्ण भक्ति, भगवान ही जगत में सबसे बड़ा धन है। कृष्ण कहते मेरे रूपी धन रहते हुए तुमने क्या की, मेरे को तुमने नीचे लेटा दी और वो बैलगाड़ी के ऊपर सारे सामान दूध दही रख दिया, मतलब मेरे तो तुमने कर दिया नीचे और घर का जो सामग्री को तुमने कर दिया ऊपर। कहते अगर कोई व्यक्ति ऐसे करे ना मैं क्या करूंगा, कहते ऐसे लात मारकर सब सत्यानाश कर दूंगा। इसलिए कृष्ण यहाँ सिखा देते बोले उत्सव, कहते ना उत्सव, कहते उत मतलब निकाल देना। अगर कोई उत्सव हो रहा है जिसको कृष्ण से जहां निकाल दिया वो क्या रह जाएगा, बोले सब। सब मतलब होता है मरा हुआ, वो मृत व्यक्ति का ही वहां खान पान। लेकिन हम भी यही करते हैं, बच्चे का बर्थडे हुआ नहीं तो घर में शादी की सालग्रह हुई, आप देखना सारे उल्टा पुल्टा लोगों को बुला करके कितने कितने बोतल तुड़वाते हैं और कितने जानवर को हम काट करके कितने जानवर को हम
खिला देते हैं, हैं? कितने जानवर को, एक संत कहते थे जिस बच्चे की बर्थडे में जन्म तिथि में तुमने इतने बोतल तोड़वाया जानते कि नहीं, शराब पिलाया और इतने जानवर को तुमने हिंसा किया, बोले इसका फल कौन भोग करेगा? जिस बच्चे के उद्देश्य में कर रहे हो ना, वो सारे पाप उसको लगेगा। वो संत कह रहे थे अगर उसको 100 साल जिंदा अगर रहता तो उसी दिन वो 50 साल में आ जाएगा, क्योंकि उसकी उद्देश्य में तुमने इतने गंदा काम किया। इसलिए संत का कहना है घर में कोई भी उत्सव हो क्या करो, संत लोग हो तो बुलाओ, नहीं तो खुद बैठ जाओ मजरा ढोलकी लेकर के बैठो और भगवान की सुंदर सुंदर ठाकुर का कीर्तन करो। बोले क्यों? बोले मधुरम मधुरम मेत मंगलांग मंगला नाम सकल निगम बल्ली सत्फल चीति स्वरूपम सक्री दपि परिगीतम श्रद्धया हलयावा भृगुवर नर मात्र तार्यते कृष्ण नाम। बोले जो भगवान का नाम है कहती ये मीठे से भी मीठे है, ये मंगल से भी मंगल है, जितने सारे शास्त्र उसको मंथन कर तो क्या निकलेगा, भगवान का नाम ही निकलेगा। इसलिए अगर किसी तरह से एक बार भी प्रभु का नाम उच्चारण हो जाए कहते जितने सारे पाप को ठाकुर का नाम खत्म कर देती है। इसलिए कहते ना मंगल भवन अमंगल हरि ठाकुर जी का नाम। इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति यही है, क्या है कुछ भी हो क्या करते हैं भगवान का कीर्तन है। अभी भी ब्रज में है, कुछ दिन पहले हमारे मंदिर के पास में एक शादी हो रहा था, मैंने देखा 15 महीना पहले से घर में कीर्तन ठाकुर का कीर्तन कर रहे थे। मैंने कहा भैया क्या हो रहा है? बोले बेटा का शादी है, 1 महीना पहले से घर में कीर्तन, 15 दिन पहले से ही ठाकुर का कीर्तन। हर चीज ठाकुर का कीर्तन को माध्यम से कर तो वो काम जरूर बढ़िया होगा। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की, नहीं तो ठाकुर जी कहते मैं ऐसे ठोकर मारूंगा ना, सब सत्यानाश कर दूंगा तुम्हारा। अभी कृष्ण अभी कितने 3 महीना के, अब देखना बच्चा जब करवट लेता है, अब देखना बच्चे जैसे सर्प सांप जैसे खिसक खिसक कर चलता है, वो बच्चा भी पेट के सहारा से वो अपना खिसक खिसक कर चलता है। पहले हर घर में जंगल होता था, हर घर में दहल और चौकट हुआ करता था। नंद बाबा राजा बड़े चौकट ऊंचाई है, अभी कृष्ण ने किया कि उनने पेट के सहारा से खिसकते खिसकते वो चौकट ऊपर में आए, अभी आधा शरीर तो बाहर और आधा अंदर में। जब आए इतने में कृष्ण एकदम बीच में लटक गए और कृष्ण बाहर भी नहीं जा पा रहे, अंदर भी नहीं पा रहे, वो पूरा कृष्ण लटक रहे हैं। कृष्ण तो रोना शुरू कर दी। ठीक उसी समय में श्री नारद जी और श्री लोमर से ऋषि ठाकुर जी क्या क्या लीला कर रहे हैं, ठाकुर को दर्शन करने के लिए आए थे, आ करके देखा ठाकुर तो लटक तो भगवान, ठाकुर जी लटक रहे हैं, हैं? जब ठाकुर जी लटक रहे हैं और रो रहे हैं, कभी ये लीलाओं को देख करके श्री नारद तो बड़ी जोर से ठा लगा कर हा 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 जोर जोर छा से। थोड़ी देर बाद में फिर रोए, उनको साथ में जो ऋषि थे, बोले नारद जी पहले तो आप रोए हंसे फिर रोए क्यों? बोले इसलिए मैं हंस रहा था, ठाकुर क्या चौकट को पार नहीं हो सकते? जिनका नाम लेने से जीव ये भवसागर से पार हो जाते हैं, क्या ठाकुर जी चौकट को पार नहीं हो सकते थे? पर ठाकुर जी लटक क्यों रहे हैं? बोले केवल अपना भक्तों को आनंद देने के लिए और कुछ नहीं। अनुग्रहाय भक्तानाम करोमि विविध क्रिया, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का वो मालिक है, इसलिए जो जो लीला करते हैं दूसरों को केवल आनंद देने के लिए। और भक्त लोग इसी लीलाओं को चिंतन करते करते पूरा पूरा उसमें डूब जाते हैं। बोले रोए क्यों? बोले ये ज्ञानियों का दुर्भाग्य का देख करके, ये जो ज्ञानी जो भगवान के निराकार निर्विशेष कहते हैं, उनका रूप नहीं गुण नहीं लीला नहीं, वो भगवान की जो मधुर लीलाओं को ये स्मरण नहीं करते हैं, कहते तो ये था पहले ब्रह्म और माया ने उनको पकड़ दिया तो ब्रह्म अभी ये कृष्ण और राम बनकर के आ गए, जब इनकी भी मुक्ति होगी ना, इनके भी मुक्ति होने पर अभी वही ब्रह्म में लीन हो जाए, उनका ये फिलोसफी है। लेकिन जो भक्त लोग है ये जो भगवान का लीला को नित्य मानते हैं, भगवान की लीला को नित्य मानते हैं, बोले ज्ञानियों का दुर्भाग्य को देख देख कर मैं रो रहा हूँ, ये ठाकुर जी की ऐसी लीला को ये स्मरण नहीं करते हैं। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की। अभी एक दिन नंद बाबा का घर में सालग्राम थे,
ये रोज रोज देखो, एक वैष्णव का जो धर्म है उसकी चार निष्ठा होनी चाहिए, जो भगवान की भक्ति और वैष्णव धर्म में कहते चार निष्ठा क्या होनी चाहिए। पहला निष्ठा ये तुलसी निष्ठा हो, जरूर घर में ये तुलसी होनी चाहिए, क्योंकि भगवान जब ये जगत छोड़ कर गए अपने आप को कहाँ रख कर गए, ये तुलसी ठाकुर जी तुलसी को हैं। इसलिए हम कहते ना वृंदावन चलो, बोले क्यों, बोले बांके बिहारी वृंदावन, वृंदा मतलब तुलसी, बन मतलब बन, जहाँ तुलसी बन तुलसी काननम जत्र जत्र वृंदावन, ये तुलसी वृक्ष में साक्षात भगवान की निवास है और ये तुलसी साक्षात लक्ष्मी है। इसलिए हर घर घर में ये तुलसी रहनी चाहिए। इसलिए संत लोग कहते हैं जिसकी घर में तुलसी जितने सुंदर हो ना, देखना उसको भक्ति भी उतना बड़ी होती है, भक्ति भी उतना पनपनाते हुए बढ़ती है। आप देखना किसी किसी घर में तुलसी मर जाती है, वो तुलसी रहती नहीं, ये अच्छी लक्षण नहीं। तुलसी होना बड़े भाग्य की बात है, उसकी भक्ति बढ़ती है तुलसी की। इसलिए कहते ना मीरा कहती है भले आली मोहे लागे वृंदावन आही को, 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 लागे वृंदावन आही को, लागे वृंदावन आही को, लागे इसलिए कभी वैष्णव का चार निष्ठा है, कभी ये तुलसी निष्ठा जरूर होनी चाहिए घर में, जरूर तुलसी पूजा करनी चाहिए और गले में सबको गले में तुलसी की कंठी जरूर धारण करनी चाहिए। जिनकी गले में तुलसी कंठी है, श्री जम महाराज जमदूतों को कहते हैं, बोले देखो खबरदार जिसकी गले में तुलसी कंठी उनको कभी नरक में मत लाना। वो कहते हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको कभी नरक मत लाया करो। बोले कैसे पता चलेगा ये भक्ति करता है कि नहीं करता है, बोले उसको कुछ लक्षण है। जैसे कुछ सधवा स्त्रियां जैसे मांग भरती हैं, सिंदूर लगाती हैं, मंगलसूत्र शंखा पहनती हैं, कहते जो वैष्णव है कृष्ण भक्त वो भी बोले ललाटे तिलकम, जरूर ये तिलक धारण करें। हैं देखो ठाकुर जी को देखो, ठाकुर भी तिलक धारण थे, राम को देखो, नारायण को देखो, हनुमान जी को देखो, गणेश जी को देखो, 33 करोड़ देवता में किसी भी देवता को देख लो बगैर तिलक के ठाकुर भी नहीं रहते। इसलिए घर में जब पुजारी पूजा कराने के लिए आता है आप देखना सबसे पहले तिलक लगाता है, उसको बाद में पूजा कराएगा। अगर तिलक के बगैर पूजा करा दिया ना वो क्या होगा, वो पूजा तुम्हारी निष्फल हो जाएगी। इसलिए पहले तिलक लगाते हैं, हैं? इसलिए जैसे कोई अच्छे काम पर जाते हो क्या करते हैं, तिलक लगा कर भेजते हैं, बेटा तुम्हारी काम सफल हो जाए। लेकिन भैया तिलक भी ऐसे नहीं फोटा लगा दिया, नहीं शास्त्र में ऐसे नियम नहीं। अब शास्त्र पढ़कर देखो, शास्त्र में बताया जो तिलक है वो ऊर्ध्व पुंड्र होनी चाहिए। अब देखो कृष्ण कैसे तिलक लगा, फोटा लगाए नहीं, राम को देख लो फोटा तिलक है, ऊर्ध्व पुंड्र ऊर्ध्व नयति, जो हमें भगवान तक ले जाए।
इसलिए इसको बोले शास्त्र में ये ब्रह्मा है, जो बीच में देख रहे हो ना ये विष्णु है और ये महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। और ये जो दो है ये ठाकुर का दो चरण है, उसका नीचे भाग को देखो जैसे ठाकुर जी के चरण में तुलसी दल देते हैं, ये तिलक का आकृति ठीक जैसे तुलसी दल देते हैं, हैं? इसलिए हनुमान जी को देखो तिलक कैसे लगाए, खड़े तिलक लगाते हैं। गणेश जी को देखो तिलक कैसे, कोई भी देवता को देखना वो तिलक कहीं फोटा तिलक नहीं, किसी देवता को नहीं देखोगे, देखोगे तिलक उनकी ऊर्ध्वपुंड्रम तिलक होनी चाहिए, ऊर्ध्वपुंड्र तिलक होनी चाहिए। इसलिए कहते हैं वैष्णव की निष्ठा है और घर में जरूर श्री ठाकुर जी को तो सेवा पूजा जरूर होनी चाहिए। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उदाहरण देते हैं, एक उन्होंने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया, जैसे आप अपना शरीर को बढ़िया से सजाओ, सजा करके आप शिष्य को सामने खड़े हो जाओ, देखना वो परछाई को सजाने का जरूरत नहीं, अपना शरीर को सजा दो परछाई अपने आप सज जाती है। उसी तरह मूल कौन बोले ठाकुर जी, आप देखना ठाकुर को जो जितनी अच्छे तरह से सेवा करोगे, ठाकुर को रोज स्नान कराओ, उनका ड्रेस बदलाओ, ठाकुर को तिलक लगाओ, ठाकुर का चरणामृत लो, नियम है ठाकुर जी को रोज सेवा पूजा करनी चाहिए। लेकिन किसी किसी घर में क्या करते हैं, ठाकुर जी तो 10 दिन से एक कपड़ा पहन कर बैठे हैं और खुद दिन में 2 बार ड्रेस बदलाते हैं, रोज स्नान करते हैं, लेकिन ठाकुर को बोले ठाकुर को पास में तो कपड़ा है ही पहन रखे, बोले तुम दिन में कितना बड़ा कपड़ा बदलाते हो, दिन में 2 बार 3 बार खुद कपड़ा बदलाते हो, जिसने सब कुछ दिया उसके लिए कुछ नहीं। इसलिए द्रौपदी को ठाकुर जी वस्त्र क्यों दिए, जब भगवान की अंगुल कट गया द्रौपदी ने, जब अपना साड़ी को फाड़ करके उन्होंने बैंडेज कर दी, ठाकुर जी रीझ गए, बोले द्रौपदी तुमने अपना साड़ी को, इतनी कीमती साड़ी तुमने देखी नहीं, तुमने साड़ी, अरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इसलिए द्रौपदी तुमने अपना इतने कीमती साड़ी को नहीं देखा, फाड़ करके मेरे अंगुल में बैंडेज कर दी। अभी ठाकुर जी सोच रहे हैं कब मेरे को मौका मिले, इसका ऋणी कब मैं चुकाऊं, इसकी ऋणी मैं कब चुकाऊं। जब भरी सभा में इसकी लाज जा रही थी, द्रौपदी का कितना पति थे बोलो, कितने पति थे, 5 5 पति थे, सर्वश्रेष्ठ गांडीवधारी अर्जुन, सर्वश्रेष्ठ गदाधारी भीम, सर्वश्रेष्ठ तलवार युद्ध में नकुल सहदेव और सर्वश्रेष्ठ भाला युद्ध में श्री युधिष्ठिर, उनके 5 5 पति थे, एक एक नहीं, उस समय में बड़े बड़े दिग्गज थे। लेकिन जब उसकी वस्त्र हरण हो रही थी, उसको कोई बचाने के लिए आए हैं, उसको किसने बचाया, उसको किसने वस्त्र दी, किसने कुछ बोली, सब चुपचाप बैठे हुए थे। फिर उनको पितामह भीष्म द्रोणाचार्य कृपाचार्य सबके सब बैठे हुए थे, द्रौपदी आंख फाड़ फाड़ करके देख रही थी, कुछ तो कोई बोलेगा, लेकिन कोई कुछ भी नहीं बोले, हैं कोई कुछ भी नहीं बोले। लेकिन जब उसने दोनों हाथ उठा करके हे गोविंद राख शरण अब तो जीवन हरी, जब उन्हें दोनों भुजाओं को उठा कर बोले ठाकुर जी तेरे सिवाय और कोई मेरे नहीं, तू ही मेरे को रखिया कर, उस समय में ठाकुर जी स्वयं वस्त्र रूप में प्रकट हो गए, दुनिया देखते रह गए, कोई नारी की बनी हुई साड़ी ना साड़ी, स्वयं नारी बन गई। 10,000 गज घटो बल घटो घटो ना 10 गज चीज है, इसलिए जाके राके साइया मार सके ना कोई। इसलिए यहाँ शिक्षा देते हैं, अगर हमारे एक पति हो ना, कोई पैसा वाला हो बड़ा बलवान, हम क्या करते हैं सीना है, हम अपना छाती फुला करके चलते हैं, अरे हमारी कौन क्या कर सकता। लेकिन द्रौपदी को 5 5 पति कोई काम में नहीं आए। इसलिए यहाँ शिक्षा देते हैं, भैया जिनके लिए तुम कर रहे हो ना, देखना विपत्ति आएगा तो तुम्हारी कोई भी सब काम में नहीं आने वाला, कोई भी तुम्हारी काम में नहीं आने वाले, सब के सब बस काम में आएगा तो कौन आएगा, बस एक कन्नी आई तुम्हारी, बांकी बिहारी तुम्हारी काम में आएंगे। इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते हैं, जो जितने सुंदर घर में ठाकुर जी को सेवा पूजा करे, ठाकुर जी को श्रृंगार करे, ठाकुर जी को खिलाए पिलाए, जितने आप अच्छे तरह से करोगे ना, आप उतना ही फलते फूलते रहोगे, उतना ही घर में सुखी रहोगे। लेकिन घर में पैसा है,
खूब तो खा रहे हो, पी रहे हो, बढ़िया बढ़िया रोज कपड़ा बदलाते हो, पहनते हो, लेकिन ठाकुर के लिए कुछ नहीं। पैसा को कहते लक्ष्मी, ये लक्ष्मी तुम्हारी नहीं, लक्ष्मी नारायण की है। अगर ये पैसा ठाकुर को सेवा में नहीं लगता है, खुद केवल खाओ पियो कपड़े से श्रद्धा करना, वो घर में लक्ष्मी खुश नहीं रहती, वो घर में लक्ष्मी नाराज हो जाती। देखना वो घर में शांति सुख नहीं रहे। भाई भाई में लड़ा, बहू बहू में लड़ा लगा दी, कोई बहुत बड़ा व्याधि लगा देगी जिसमें लाख लाख रुपया निकल जाएगी। क्यों? लक्ष्मी अभी वो ठाकुर की सेवा में नहीं लग रही है। इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते हैं, भैया जो जितने ठाकुर जी को बढ़िया सेवा पूजा करेगा ना, वो उतना ही फलते फूलते रहेगा। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अभी कृष्ण धीरे 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 कृष्ण बड़े होते हुए जा रहे, जब बड़े हो जा रहे हैं, एक दिन मैया जसोदा कृष्ण को स्तनपान करा रही थी। हर माताओं को पता लाला कितने दूध पीने से पेट भर जाता है, हर माताओं को पता रहता है। लेकिन आज कृष्ण इतने दूध इतने स्तनपान कर रहे थे, कृष्ण स्तनपान करना बंद नहीं करता है। देखना बच्चा अगर ज्यादा दूध पी ले ना, पेट का बच्चे का पेट पतला हो जाता है। मैया तो डर रही थी, आज तो लाला दूध पीना बंद ही नहीं कर रहा, पीते जा रहा है, पीते जा रहा है। इतने में कृष्ण ने थोड़ी सी अपना मुंह को खोले, जब उन्होंने मुंह को खोले, छोटी सी मुंह में अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड को मैया को दिखा दी। हैं मैया तो देख करके बोले भैया मैं क्या अलाई बलाई क्या देख रही हूँ। मैया ने आंख बंद कर दी, आंख बंद करके जब फिर मैया ने आंख खोली ना, देखा वो नन्हा सा छोटा सा मुंह है। तो उन्होंने क्यों ऐसे दिखाई? बोले कारण है, पहले पुतना आ गई, फिर ये शकटासुर आ गया, फिर ये तृणावर्त आ गया, एक को बाद में एक राक्षस आते जा रहे हैं। मैया सोच रही हैं, मेरे लाला तो किसको कुछ बिगाड़ नहीं रहा है, लेकिन ये एक एक दैत्य लाला को पीछे क्यों पड़ गई? मैया बहुत डर रही थी। इतने में कृष्ण ने मुंह खोल करके बोले मैया तू मेरे को साधारण समझ रही हो? नहीं मैया मैं साधारण नहीं, देख ये अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का जो मालिक हूं मैं हूं। दूसरा कारण बताए, बोले मैया तू ये सोच रही थी मैं इतना दूध पी रहा हूँ, इतना दूध पी रहा हूँ, मैया तेरे दूध से मैं नहीं पल रहा हूँ, देख ले ये विश्व ब्रह्मांड तेरे दूध से पल रहे हैं, इसलिए मैया कोई चिंता मत करो। अभी कृष्ण जब धीरे धीरे कृष्ण बड़े हुए, एक दिन कृष्ण सोच रहे हैं ब्रज में जो कोई आए ना, सबके सब कहते राधे तेरी चरण की ब्रज धूल जो मिल जाए। ये सबके सब ब्रज धूल के लिए प्रार्थना करते हैं। उद्धव भी आए, उन्होंने भी तृणा गुल्म औषध वृक्ष के लिए प्रार्थना की। ब्रह्मा भी आए, छोटे जातियों का चरण धूल को प्रार्थना करते हैं। इसलिए कहते जब जब मेरे ऊपर कोई विपत्ति पड़ी जाए, मैया ये गोरज और गोमूत्र से मेरे को स्नान कराती हैं। इसलिए भैया यहाँ पर ये गोमूत्र गोरज में क्या ताकत है? एक दिन कृष्ण ये ब्रज रज और ये गोमूत्र गोबर की महिमा को दिखाने के लिए मैया ने कृष्ण बलराम को बड़ी सुंदर श्रृंगार की थी। बोले जाओ तुम लोग खेलो, मैं घर का काम में कर रही हूँ। कृष्ण सोच रहे हैं जब जब मेरे ऊपर विपत्ति आती है, ये गोमूत्र से मेरे को भैया क्यों स्नान कराती? वहां पर गैया बंधे हुए थे। इतने में कृष्ण बलराम गए, जितने गोमूत्र गोबर था ना सब लेकर सारा शरीर में पोत दिया, सारा शरीर को एकदम कीचड़ कीचड़ गोमूत्र गोबर से पोत दिए। और दोनों भैया बैठे हुए, मैया ने बोले लाला कनुआ बलुआ तुम दोनों कहाँ हो? बोले मैया हम यहाँ पर। बोले वहां क्या कर रहे हो? जा करके देखा दोनों भैया सारे गोमूत्र गोबर से एकदम सने हुए। मैया बोले अभी अभी तुम दोनों को स्नान कराया, अरे अभी अभी सब श्रृंगार तुमने बिगाड़ दिया। हे मैया दोनों को कान पकड़ी, दोनों पकड़ करके बोले हैं इधर आओ। तो मैया कहती है बोले तुम सुकरसी गत को तनारे, हे पुतनकारी बोले तुम सुकर असी, क्या तुम सुअर था? सुअर तो कीचड़ में लोट पोट खाते हैं ना, हैं तुम क्या पूर्व जन्म में सुअर था? इतने में कृष्ण अपना सर हिला रहे, बोले मैया पहले तो मैं सुअर था, लेकिन तेरे को कैसे पता चला? क्योंकि भगवान सत्य युग में बराह अवतार लिया था, बराह अवतार में ये पृथ्वी को ठाकुर जी ने उद्धार किया था, हैं इसलिए यहाँ पर भी
कृष्ण ने ये जो गोमूत्र गोबर है ना, अभी जो कोरोना आया था ना, जो व्यक्ति गोबर और गोमूत्र ले रहे थे ना, हैं हमारे एक बहुत बड़े महाराज है, पहले नासा में वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने गोमूत्र और गोबर से गोमूत्र से उन्होंने मेडिसिन निकाली है, वो मेडिसिन निकाली। फिर जो व्यक्ति रोज रोज गोमूत्र ले रहे थे उसके ऊपर कोई कोरोना के अफेक्ट नहीं होता था, कोई अफेक्ट नहीं होता था। इसलिए पहले घर घर में क्या करते थे, गैया सेवा करते थे। हर घर में देखना, घर में अंदर में जाते गैया सेवा करते थे, लेकिन अभी कोई गैया सेवा नहीं, कुत्ते सेवा कर रहे हैं। शास्त्र ने बताया कुत्ते को इतने अपवित्र माना, अगर कोई कुत्ता कोई खाने को देख लिया ना, वो ठाकुर को सेवा में लगने लगेगा। अगर कुत्ते को तुमने स्पर्श कर लिया, तुम ठाकुर घर में घुस नहीं सकते, ठाकुर को सेवा नहीं कर सकते। इतने अपवित्र मानी गई वो कुत्ते को, इतने अपवित्र मानी गई। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है, अभी कोई ठाकुर का सेवा नहीं, कोई गार्ड रूम नहीं, कुत्ते के लिए डॉग के लिए रूम घर में बना हुआ है। इसलिए ठाकुर जी ये गोमूत्र और गोबर की उन्होंने महिमा दिखा है, कितने कहीं हुए कि बम ब्लास्ट हो गया, लेकिन गांव के सबके सब लोग मर गए, लेकिन एक व्यक्ति का कुछ नहीं हुआ। साइंटिस्ट ने देखा भाई इसको कुछ हुआ नहीं, क्यों? देखा उसको घर में गैया पाल रहे थे, चारों तरफ में गोबर पड़ा हुआ, घर गोबर मिट्टी से पोता हुआ, इसलिए कुछ भी नहीं हुआ। पहले तो हमारे लोग यही करते थे ना, सारे लोग यही करते थे, गोबर से गोमूत्र से घर को लिपाई पोताई करते थे। इसलिए अभी बहुत गोमूत्र गोबर से बड़ी बड़े मेडिसिनों को साइंटिस्ट निकालते हैं। इसलिए ठाकुर जी आज गोमूत्र गोबर की महिमा ठाकुर जी दिखाए। ऐसे ठाकुर जी अभी धीरे 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 ठाकुर जी बड़े हो रहे हैं। एक दिन कृष्ण ने देखा सबके सब ये ब्रज रज को क्यों प्रार्थना करते हैं। कृष्ण एक दिन ये ब्रज रज की महिमा को दिखाने के लिए कृष्ण ब्रह्मांड घाट में गए। जैसे बच्चे लोग खेलते हैं ना, आप लोग खेले हो बचपन में? आप लोग अभी तो सीमेंट सीमेंट हो गया, पहले रेती रेती होता था, हाँ सब पहले तो रेती रेती होता था। कृष्ण सखा लोग क्या करते थे, जैसे अपना अंदर में प्यार को रख करके उसके ऊपर मिट्टी रख लेते थे, मिट्टी रख करके जब प्यार को निकाल दो ना, देखना उसमें सुंदर घर बन जाता है। अभी श्रीदाम वसुदेव मधुमंगल ये सब के सब ऊपर मयूर पंख पत्ता सजा करके कहती है मेरे डाइनिंग रूम, ये मेरे बेड रूम, ये मेरे किचन रूम, सब लोग को सखा जैसे बचपन में खेलते हैं। अभी कृष्ण सोच रहे हैं भैया मैं भी दो चार घर बनाऊं। कृष्ण प्यार रख करके जो मिट्टी रख करके प्यार को निकालते हैं ना, वो धस जाता है, वो धस जाता है, एक भी घर नहीं बन रहा है। इतने में सारे देवता लोग आकाश मार्ग से देख रहे थे, बोले देखो ठाकुर जी का कितने विचित्र लीला है, बोले जिनकी केवल एक कटाक्ष इशारा हो जाए क्या हो जाता है, बोले क्या हो जाता है उसको, करोड़ों करोड़ों विश्व ब्रह्मांड सृष्टि स्थिति प्रलय हो जाती है केवल जिनकी एक इशारा पर। आज स्वयं ब्रह्म एक मिट्टी का घर भी बनाना चाह रहे हैं और मिट्टी का घर भी नहीं बन रहा है। कृष्ण को तो बड़ा क्रोध आया, बोले दारी के एक भी घर नहीं बन रहा है। इतने में कृष्ण ने क्या किया, जो मिट्टी था ना, कृष्ण मिट्टी खाना शुरू कर दिया और तरकारी खा जाऊंगा। इतने में सखाओं ने मना किया, कन्हैया मिट्टी मत खाया करो पेट खराब हो जाएगा, लेकिन वो सुने ही नहीं, खाते खाते ही जा रहे। जब खाते जा रहे थे इतने में जा करके सखा लोग ने मैया को शिकायत कर दी, बोले मैया आज लाला ने मिट्टी खाई। बोले मिट्टी, अभी तो घर घर में जाकर मक्खन चोरी चोरी कर खाता था, अभी मिट्टी खाना शुरू कर दिया। मैया सीधा आई हाथ में छड़ी लेकर के, कहां पकड़े, सीधा कृष्ण के कान हैं, कान को पकड़े, बोले अपवित्र हैं, अपवित्र गंधा बच्चा हैं, कहते जिनका नाम लेने से, हम कहते ना नम अपवित्र पवित्रवा सर्वावस्थाम गतो विवा जह स्मरेत पुंडरीकाख्यम सब बाह्यावित्र सूची। भगवान का नाम लेने से बाहर भीतर से दोनों पवित्र हो जाते हैं, लेकिन मैया के तू अपवित्र गंधा बेटा हैं, तुम गंधा बेटा, बोले तुमने आज मिट्टी खाई। कृष्ण तो सफेद झूठ बोलते, बोले ना अहम भक्षितवानं भो सर्वे मिथ्या विसंशयः। बोले मैया ये सखा लोग सबके सब झूठ बोल रहे हैं, बोले तू अकेला सत्यवादी हरिश्चंद सब झूठे बोल रहे हैं, बोले हाँ मैया सब झूठ बोल रहे हैं। बोले मैया तेरे को पता आज क्या हुआ, बोले क्या हुआ, बोले ये बच्चे लोग अपना घर से लड्डू मिठाई मालपुआ चोरी चोरी करके लाते हैं, हैं? लेकिन तेरे को पता मैया मैं कभी चोरी का चीज खाता नहीं। बोले मेरे को अच्छे तरह से पता तू क्या करता नहीं करता, मैं जब खाया नहीं सखा लोग तो समझ गए ये तो खाया नहीं, हमारे घर में जाकर चुगली कर देगा।
और मैं चुगली करने से पहले ये मेरे नाम पर चुगली कर दिया, और इनकी बात में तो जल्दी आ जाती है, मेरी बात तो मानती नहीं। कभी ये दाऊ भैया क्या झूठ बोले, बोले हाँ भैया आज तो पता नहीं सवेरे उठ करके मैंने किसना किसका मैंने मुंह देखा है, ये सबके सब एक तरफ हो गए। बोले मैया ये दाऊ है ना ऊपर में देखने तो गोरे लगते हैं लेकिन मैया अंदर में बड़े काले हैं। हाँ मैया मैं तो ऊपर में काला हूँ लेकिन मैया अंदर में मैं बहुत गोरा हूँ। इसका मतलब क्या है? कहते बलदेव प्रभु अब लोग जो ब्रजमंडल परिक्रमा में जा रहे हो सब जगह में देखना बलदेव प्रभु काले हैं, कहीं गोरे नहीं देखोगे। यहाँ भी बांके बिहारी वो मोड़ में देखोगे बलदेव प्रभु काले हैं, हैं? क्योंकि ये कृष्ण चिंता करते करते कृष्ण भक्ति रस में ये डूबे हुए हैं, इसलिए कहते हैं ये ऊपर में तो गोरे लेकिन अंदर में काले, मतलब कृष्ण को चिंतन करते हैं। लेकिन मैं तो ऊपर में काला लेकिन अंदर में गोरो, मतलब गोरी श्री राधा रानी बल आत्मा तो राधिका है, कृष्ण का आत्मा कौन है श्री राधा रानी हैं। इतने में कृष्ण ने कहा देख मैया अगर मैंने मिट्टी खाई है ये मुंह से तो खाया। बोले हाँ, बोले तू मुंह खोल कर देख ले तेरे तभी तो तेरे विश्वास हो जाएगा। कृष्ण ये सोच रहे थे अगर मैं बोल दूं तेरे मेरे मुंह खोल कर देख ले हो सकता है मैया मान जाएगी, लेकिन माँ मानने वाले कहाँ थी, क्योंकि हर माताओं को पता मेरे बेटा कैसे, हर माताओं को पता है। इतने में मैया यशोदा तो एक धमकी लगाई, बोले मैं तेरा मुंह देखना चाहता हूँ मुंह खोल। जब धमकी लगाई ना इतने में तो कृष्ण डर गए और उन्होंने मुंह खोल दिए। जब उन्होंने मुंह खोल दी लेकिन मुंह में मिट्टी है, अभी कृष्ण सोच रहे हैं मुंह तो खोल दिया लेकिन मुंह में मिट्टी, और एक हाथ तो कान में पकड़ के रखी एक हाथ में डंडा, लगता है एक डंडा नीचे नहीं सब पीठ ऊपर पड़ेगा। लेकिन कृष्ण की एक इच्छा शक्ति जोग माया वो क्या करती है, बोले कृष्ण को इच्छाओं को जान करके वो सारे लीला को वही पुष्टि करने वाले ये जोग माया। लेकिन कृष्ण की इच्छा किया मैया मेरे को मारे नहीं। अभी जोग माया सोच रही है अगर मैं रहते रहते कृष्ण अगर पीट गए फिर तो मेरा रहना बेकार हो गया, ठाकुर जी मेरे सामने मार खाए ठाकुर जी। इतने में जोग माया ने किया कि इतने से छोटी सी मुंह में अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड उन्होंने दिखा दिया, कितने नदी कितने चंद्र ग्रह सूर्य तारका कितने देवता, मैया खुद को भी उसको पेट को अंदर में देख रही थी। मैया तो देख करके इतने डर गई, बोले हो ना हो मेरे लाला तो भगवान नहीं, क्योंकि भगवान के अंदर में ये विश्व ब्रह्मांड है लेकिन मेरे लाला तो भगवान नहीं। जब मैया ने ये सोचने लग गई ना फिर कृष्ण डर गए, बोले क्यों डर गए, बोले अगर मैया को पता चलेगा मैं भगवान हूँ फिर मैया क्या करेगी, जैसे घर में सालग्राम के लिए छोटा सा मंदिर बनाया उसका अंदर में सालग्राम को रख करके थोड़ी सी बातासा नहीं तो थोड़ी सी मीठा भोग लगा करके घंटा हिला कर क्या करती हैं, बोले त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्यां द्रविड़ त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। फिर मैया मेरे लिए भी एक मंदिर बना करके अंदर में मेरे को भी बंद कर देगी, ये सखाओं को साथ में जो मैं लीला कर रहा हूँ ये लीला तो बंद हो जाएगी। कृष्ण डर गए, जब डर गए इतने में जोग माया क्या करती हैं सारे लीला को अंतर ध्यान करती, जो छोटा सा मुंह वही छोटा सा मुंह और कुछ नहीं। फिर मैया ने सोचा मेरे लाला के ऊपर कोई अलाई बलाई तो नहीं आ गई, गैया की काली गैया से पूछ से राई और नून से मंत्र करके कन्या को झाड़ा लगवाया करती है। तब यहाँ पर प्रश्न करते हैं आप लोग ये बताओ भगवान ने मिट्टी खाई कि नहीं, बोलो भगवान ने मिट्टी खाई थी कि नहीं, खाए थे ना, लेकिन ठाकुर जी कैसे झूठ कैसे बोले मैंने मिट्टी नहीं खाई। दुनिया क्या बोलेगा जब भगवान कोई झूठ बोले, वो झूठ झूठ नहीं, जब हम कोई झूठ बोले हमारी दोष है। दुनिया तो भगवान से सीखेगा ना, ठाकुर जैसे करेंगे दुनिया तो वैसे करेगा, फिर बोलेंगे कि ठाकुर झूठ बोले तो कोई झूठ नहीं हम झूठ बोले हमारी दोष है। तब श्री बल्लभाचार्य कहते भगवान कभी झूठ नहीं बोलते, क्योंकि भागवत का जो प्रथम श्लोक में बताया बोले सत्यंग परम धीमहि, भगवान को परम सत्य बोले, 33 करोड़ देवता कहते हैं
बोले सत्य ब्रह्म सत्य परामति सत्य सत्य सुजोनी निहितम च सत्य। भगवान को सत्य सत्य बोलकर कह रहे हैं, त्रिकाल सत्य जो सनातन है। अगर वो झूठ बोल दिया ना, फिर तो विश्व ब्रह्मांड ही झूठा हो जाएगा। इसलिए कहते भगवान कभी झूठ बोले नहीं, बोले प्रमाण किया। तब उन्हें दो उदाहरण देकर समझाए। उन्हें पहला उदाहरण उन्होंने दिया है, खाना किसको कहते हैं? जब हमसे कोई चीज अलग हो उठा करके खाए उसको तो खाना कहते हैं ना। लेकिन कृष्ण ने बोले मैया विश्व ब्रह्मांड तो मेरे अंदर में है, फिर मैंने खाया अलग कहां से खाया? सारा दुनिया तो मेरे में ही ना, जब मेरे अंदर में सारा दुनिया फिर मैंने खाया कब? पहला कारण। दूसरा कारण बताए कि जो शब्द है ना ये सांस्कृत शब्द है। बोले ना अहम भक्षी तो बानव, बोले माँ ना अहम, बोले मैं नहीं मिट्टी खाई, एक अर्थ होता है। लेकिन जब ये दोनों शब्दों को अलग नहीं करके एक ही शब्द कर तो नाहम कहते, नाहम का एक अर्थ होता है ब्रह्मांड। बोले मैया तुम मिट्टी की क्या बात करती हो, तेरे को विश्वास नहीं होता? देख ले विश्व ब्रह्मांड मैंने खा करके रखा, तेरे को विश्वास नहीं हो रही ना? देख ले मेरे मुंह में अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड मेरे अंदर में। इसलिए वल्लभाचार्य कहते हैं भगवान कभी झूठ कभी नहीं बोलते हैं। इसलिए आज मानो ठाकुर जी ने ये ब्रज रज की महिमा ठाकुर जी दिखाई। ब्रज रज की कितनी महिमा है, आप लोग ब्रह्मांड घाट में जाओगे ना देखना, वहां ब्रज रज सब बेच रहे हैं। देखे हो वहां सब ब्रज रज को बेच रहे हैं, हैं? इसलिए जिस ब्रज रज के लिए उद्धव नारद ब्रह्मा भी जो ब्रज रज के लिए तरसते हैं। देखो ये तिलक की कथा सुन लो, ये तिलक क्या क्या महिमा है। कहती ब्रज रज है, एक दिन श्री नारद जी भगवान से प्रश्न करते हैं, बोले भगवान ठाकुर जी दुनिया कहता है हम भगवान की परम भक्त परम भक्त, आप कृपा करके बताओ जगत में सबसे बड़े भक्त तुम्हारी कौन है? नारद जी बोले समय आने पर मैं बता दूंगा। एक दिन ठाकुर जी जान बुझ करके सर दर्द और बुखार की लीला की, तो वसुदेव महाराज वैद्य को बुलाए, वैद्य ने दबा दिया लेकिन सही नहीं हुआ। नारद जी बोले प्रभु जिनका नाम लेने से समस्त कहते हैं सर्व व्याधि विनाशनम सर्व उपद्रव समनम शांति दम शांतिरष्टम हरि नामान कीर्तनम, हरि का नाम कीर्तन से सारे व्याधि सारे उपद्रव सारे दुख कष्ट खत्म हो जाती है जिनकी नाम लेने से। आप प्रभु आप स्वयं बुखार की लीला कर रहे हो, बड़ा विचित्र लीला, आप ही बताओ आपकी ये बुखार सर दर्द कैसे सही होगा? बोले नारद जी अगर मेरे कोई भक्त अपना चरण धूलि दे दे उसमें स्नान कराया जाए तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। बोले तू तो बड़ा भक्त हो, सारा दुनिया कहते हैं नारद जी मेरे परम भक्त, थोड़ा चरण धूलि दे दे। बोले राम 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 राम, प्रभु आपको चरण धूलि देकर क्या मेरे नर्क भेजोगे? बोले यहाँ पर कितने महिषियां सात्विक और यहाँ पर उद्धव आदि सब किससे भी लेकर के आओ, जिसको पास में गए ना सबके सब उनको गाली दिए, वापस आ गए। बोले मिला कि नहीं प्रभु? प्रभु ऐसे चीज मंगवाए दुनिया हमें गाली निकाला। बोले सब जगह में गए थे? बोले हाँ। बोले वृंदावन गया था? बोले वृंदावन नहीं गया। बोले क्यों? बोले वो ग्वालिनिया दधि मंथन करती हैं, कंडा बीनती हैं, वो अपवित्र रहने वाली वनचरी वन में रहने वाले उनको क्या भक्ति है पता? बोले नारद जी अगर मेरे असली भक्त है ना वृंदावन में, जाओ एक बार जाओ वृंदावन में। नारद जी वृंदावन में आए, सब ब्रजवासी इकट्ठे हो गए। बोले कहाँ से आए हो? बोले द्वारका से। बोले हमारे लाला कन्हैया कैसे है? बोले सर दर्द बुखार। बोले कोई दवा नहीं दिया? बोले दवा तो लेने के लिए आया हूँ। बोले क्या दवा? बोले ठाकुर जी बोले मेरे भक्त अगर मेरे को चरण धूलि दे दे, वो चरण धूलि में मेरे को स्नान कराया जाए तो मेरे सर दर्द बुखार सर हो जाए। बोले कोई बोरी बोरी लाया कि नहीं? कोई लेने के लिए कोई बोरी लाया कि? बोले नहीं, जितने ब्रजवासी थे ना प्यार को रगड़ रगड़ करके धूल निकाले और एक पोटली बांध करके बोले जा नारद जी को सर पर रख दिए, कृष्ण को स्नान करा देना। नारद तो देख देख हैरान हो रहे थे। बोले तुमको पता नहीं कृष्ण भगवान है? भगवान को चरण धूलि दे रहे हो क्या? नरक का रास्ता साफ कर रहे हो? बोले नारद जी अगर हमारे प्रभु कृष्ण अगर खुश रहे उसके लिए एक जन्म नहीं, हम तो उसके लिए करोड़ों जन्म तक हम उसको हम नरक जाने के लिए तैयारी, लेकिन कृष्ण का दुख को नहीं देख सकते। इसलिए वही चरण धूलि वृंदावन से द्वारका गया और वहां पर भगवान स्नान किए। द्वारका कोई गए हो?
कौन कौन द्वारका गए हाथ उठाओ तो दो चार गए हो। वहां पर देखना गोपी तालाब देखना, ये जो मिट्टी है ना ऐसे मिट्टी सारा दुनिया में कहीं नहीं मिलती है, केवल द्वारका से ही ये मिट्टी आती है। इसलिए ये ब्रजवासियों का चरण धूलि उद्धव ब्रह्मा कृष्ण भी जिसमें स्नान करते हैं। भगवान का तिलक देखो ठाकुर जी की, राम का तिलक देखो, नारायण का तिलक देखो, इसी मिट्टी से ही ठाकुर स्वयं इसी मिट्टी से ही तिलक लगाते हैं, इसी मिट्टी की, क्योंकि ये ब्रजवासियों का चरण धूलि, इसलिए तिलक की बड़ी महिमा है। बोले श्री कृष्ण के नहीं कितने का लो, कृष्ण के नैया लाल की जय जय श्री राम। I'm not afraid to die.
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः संचिन्तयत् भगवच्चरणारविन्दं वज्रांकुशध्वजसरोरुभलाञ्छनाढ्यं उत्तुङ्गरक्तविलसग्नखचक्रवालः ज्योत्स्नाभिरामहदभिहृदयान्धकारः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु पार्वत हूँ। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज एवं भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत अर्पण करता हूँ। श्रीमन महाप्रभु सहित समस्त गौर परिकर एवं मेरी समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हो उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में बार बार दंडवत अर्पण करता हूँ। मेरे गुरुदेव की आज्ञा है कि श्रीमद् भागवत जी के पंच प्राण जो पांच अध्याय रास के हैं उसके ऊपर जो गुरुदेव ने पढ़ाया जो गुरुदेव ने सिखाया है उसको थोड़ा बहुत आपको वितरित करूं। देखिए रास शब्द जो है रसों के समूह से बना है। रसानाम समूह वाच्य रास इति विधीयते। वह रास शब्द रसों के समूह से बना है। सबसे पहले प्रश्न आता है कि रास है क्या और दूसरी बात इसको केवल श्री कृष्ण ही क्यों कर सकते हैं। देखिए रास शब्द का जब देखो साधारण जो नृत्य होता है उसको हल्लीषक नृत्य कहते हैं परंतु वह नृत्य जब उद्गम स्थिति पे पहुंचता है अन्य अन्य प्रकार के वाद्य अपार अपार करके ध्वनित होते हैं तब जाकर के उसको रास नृत्य की उपमा दी गई है। श्री भगवान ही इस नृत्य को कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अन्य देवता या अन्य अवतार केवल एक ही अपने साथ केवल एक ही शक्ति को लेकर के उन्होंने अपने लीला का विस्तार किया है पर श्री भगवान ने अनंत कोटि गोपियों के साथ इस रास को किया है इसलिए श्री भगवान ही केवल इसको कर सकते हैं। दूसरी बात श्री भगवान जो है दरअसल श्री रासलीला को रासलीला के दिव्य फल को ग्रहण करने की विधि क्या है तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं श्रोतव्यम केवल सुनना ही रासलीला के दिव्य फल को ग्रहण करने की विधि है। इस कारण से तो रासलीला प्रारंभ करते हैं पहले श्लोक से भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता तदोडुरो राजः ककुवर्धन प्राच्छानलिम्पन् नरुणेन संतमय विवरचनीनामुदगाचुचो प्रियं प्रियायैव दीर्घदर्शयन् दृष्ट्वा गुमुत्तव खण्डमण्डलं रमाननाभम्यः कुमकुमारुणं वनं च तत्त्वो मलगोभिरञ्जितं जटौकलं वामदृशं मनोहरं निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनं व्रजस्त्रिया कृष्णगृहीतमानसा आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमास यत्र कान्तो जवलोलकुण्डला दुमन्त्योभीययोकाश्चित् दोहं हित्वा समुत्सुका पयोधीशत्वसंज्ञा वमृतवाश्या परायययो परिवेशयन् धित्वा पारयन्तः शुशुम्पयः शुश्रूषन्तीं पतिं काश्चित् अश्यन्योपाश्य भोजनम् लिम्पन्ते प्रमृजन्तुन्या अञ्जन्त्यः काश्य लोचने व्यक्तस्तवस्त्राभरणात् काश्चित् कृष्णान्तिकमययो सावर्यमानापतिभिः पितृभिः धातृबन्धुभिः गोविन्दात्मानं नग्नवरदन्तमोहिता अन्तर्मेघ्रेता काश्चित् गोप्यो लब्धविनिर्गमा कृष्णं तद्भावनायुक्ता दत्तुर्मीलितलोचना दुःसप्रेष्ठगृहतिव्रता पशुता शुभा ध्यान प्राप्ता च दशलेश निर्वित्या क्षीरमङ्गला। पहले इतना सुन लीजिए भगवान पिता रात्रि भगवान शब्द को लेकर के यहाँ पे भगवान से शुरू किया गया है। क्यों? इसमें चक्रवर्ती बात सावधान कर रहे हैं कि देखो श्रोताओं ये जो लीला कर रहे हैं रासलीला इसको साधारण लीला नहीं मानो ये भगवान स्वयं भगवान इसको कर रहे हैं जो शरभों से युक्त है। शरद की दिव्य ऋतु में शरदोत फुल्ल मल्लिका और विक्षरन्तु मनश्चक्रे श्री भगवान अकेले रास कर सकते नहीं अनंत कोटि यूथ है गोपियां हैं परंतु मनश्चक्रे योग मायां उपाश्रिता
पहला अर्थ चक्रवर्ती पाद ने किया कि योग माया उपाश्रिता, योग माया की सहायता से। पर इस पर श्री जीव गोस्वामी पाद टीका कर रहे हैं, योग योग मायाम श्री राधायाम ताम उपाश्रिता येनः। श्री राधा रानी को सबसे पहले श्री राधा रानी की स्तुति श्री भगवान ने करी है कि हे किशोरी जो आइए और रासलीला में प्रवेश कीजिए, योग मायाम उपाश्रिता। इस कारण से दिव्य चंद्रमा है, चंद्रमा भी दिव्य है। ये रासलीला जो है श्रीधर स्वामी पाद इस रासलीला को कहते हैं, ये षडमास की लीला है, 6 महीने की लीला। भगवान ने क्या किया, जब संकल्प हो गया सारा का सारा एनवायरमेंट बन गया रास का, उसके बाद भगवान ने क्या किया, भगवान ने वंशी बजाई है अपनी। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजग मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जबलोल कुंडलाः। पहले सबसे पहले भगवान ने वंशी बजाई है, और वंशी में क्या बजाया, शम्या नाम निशम्य जगौ कलम क्लीम, ये शब्द बजाया है। इसका अर्थ क्या है, क्लीम शब्द का अर्थ है ककारो नायिका कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह इकारो प्रकृति राधा महाभाव स्वरूप। सबसे पहले श्री राधा रानी को बुलाया है क्लीम शब्द का उच्चारण करके, उसके बाद सारी की सारी गोपियों का आवाहन किया है। अब देखिए, भगवान बिना गोपियों के रास नहीं कर सकते। भगवान ने रास लीला क्यों करी, क्योंकि भगवान भक्त वांछा कल्पतरु है। गोपियां भगवान की गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपियां भगवान की भक्त है, इस कारण से भगवान को अत्यधिक प्रेम करती है श्री गोपियां। इसलिए भगवान ने उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए, क्योंकि भगवान भक्त वांछा कल्पतरु है, इसलिए भगवान ने ये रास लीला करी है। दूसरी बात, जब भगवान ने वंशी बजाई तो अब गोपियों की स्थिति देख लीजिए। गोपियां जब भगवान ने वंशी बजाई तो वंशी दूती बन करके एक गोपी के पास गई। जब गई गोपी तो गोपी गाय का दूध निकाल रही थी। दुहन त्यो भी योगाश्द दोहम हित्वा समुत्सुका पयोधी सत्व संया व मदवाशा परायो। गोपी दूध निकाल रही थी, वंशी पहुंची, चल चल तुझे ठाकुर जी बुला रहे हैं। तो गोपी क्या किया, गोपी थोड़ी दूर तक तो भगी, फिर उसके बाद वापस आई और जो वो आधी बाल्टी दूध निकाल लिया था उसको अपने हाथ से फैला दिया। वंशी ने पूछा, ठीक है गोविंद तो बुला रहे हैं, पर ये आधी बाल्टी दूध क्यों फैला दिया। तो गोपी ने कहा कि भगवान के साथ विहार करते करते, श्री कृष्ण का दर्शन करते करते, यदि बीच में ये आधी बाल्टी दूध याद आ गया तो उतनी देर के लिए मैं कृष्ण रस से वंचित हो जाऊंगी। तो मानो अपनी समस्त क्रियाओं का परित्याग करके गोपी दर्शन के लिए भागी। दूसरी गोपी अपनी आंख में काजल लगा रही थी। अंजन्त्य काश्यलोचने व्यक्तस्त वस्त्राभरणात् काश्चित् कृष्णांतिकम् ययोः। अपनी आंखों में काजल लगा रही थी और गोपी ने वंशी उसके पास पहुंची तो वंशी ने कहा, चल तुझे गोविंद बुला रहे हैं। तो उसने क्या किया, अपनी आंख का काजल लिया और पूरे आंख में काजल डाल रही थी तो वंशी को सुनकर के ऐसी हतप्रभ हो गई कि श्री गोविंद बुला रहे हैं, श्री गोविंद बुला रहे हैं, सारा काजल ऊपर नीचे लगा लिया। व्यक्तस्त वस्त्र भरणात् अस्त व्यस्त वस्त्रों को करके भगी, ऊपर की चीज नीचे पहन ली, दो अपने पैर की पायल को निकाल करके गले का हार बना लिया और अपने गले के हार को नूपुर के रूप में स्थापित कर लिया, अस्त व्यस्त वस्त्र करके भगी गोपी। वंशी ने पूछा, तू आराम से सज ले, कोई बात नहीं, गोविंद बुला रहे, चल चलियो। तो वंशी ने कहा, अरे तू जानती नहीं है। गोपी ने कहा, तू जानती नहीं है वंशी, मेरे गोविंद ना काला देखते हैं, ना गोरा, ना सुंदर, ना कुरूप, वो तो केवल यही देखते हैं कि मेरे भक्त के हृदय में प्रेम कितना है, मेरे भक्त के हृदय में भक्ति कितना है। व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का कुब्जाया किमु नाम रूप अधिकम किम तत् सुधान्योधनम वंशः को विदुरस्य यादव पतेरुग्रस्य किम पौरुषम भक्त्या तुष्यति केवलम नच गुणैः भक्त प्रियो माधव। भगवान भक्त कितना प्रेम करता है भगवान को ये देखते हैं। कोई गोपी भोजन परोस रही, वंशी पहुंची और तुरंत गोपी ने क्या किया, वो जो भोजन की वो जो छबड़िया थी उसको नीचे गिराया। खाना हो तो खाओ, नहीं खाना हो नहीं खाओ, मैं तो गोविंद से मिलने जा रही हूँ, इसलिए गोविंद से मिलने के लिए चली। कोई अपने बच्चे को अपनी अंक में लेकर के स्तनपान करा रही थी वंशी।
कन्ययो तावर्यमाना पतिभिः पितृभिः भ्रातृबन्धुभिः गोविन्दात्मानं नग्नवरतन्तमोहिता अंतर में ग्रीत आकर्षित गोपियों लब्ध निर्गमा जब जाने से रोग्य बोले तो नहीं जाएगी नहीं जाएगी। गोपी ने कहा ये शरीर तेरी माता है ना, ये शरीर तेरी पुत्री है ना, ये शरीर तेरी बहन है ना, मैं इस शरीर का ही परित्याग करके गोविंद की लीला में जा रही हूँ। इसलिए उसने उस गोपी ने अपने अंदर स्थित होकर के गोविंद नाम स्मरण से लीला में आवागमन किया। इस कारण से गोपियां आई हैं। उसके बाद जैसे ही सारी गोपियां पहुंची हैं, देखो अधिकारी व्यक्ति ही अधिकारी जो गोपियां हैं वो सबकी सब भगवान के रास में पहुंची है। उसके बाद जब पहुंची है तो भगवान ने देखा रे गोपियां आ गई सारी, तो भगवान ने बोला स्वागतम स्वागतम तू महाभाग प्रियम किम कर वाणी वा। आओ गोपियां आओ महाभाग्यवती आपका स्वागत है। भगवान ने कहा आ गए तो गोपियां खूब आनंदित होकर के गई। ब्रजस्या नामयम कच्चित भूता गमन कारणम रजन्नीशा घोर रूपा घोर सत्व निषेधिता प्रतियाद ब्रजन्नी स्त्रीहं श्रीवी सुमद्यमा मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पतयश्च वा विजिन्वन्ति पश्यन्तु माकत्य बन्धु सत्वशं दृष्टं वनं कुसुमितं राकेश कर रंजितं यमुना लिली लयजे तरो पल्लव शोभितं तदया माचितं गोष्ठं शुश्रुषुन्नु पतिं सती कृन्दन्ति वत्सा बालाश्च तान् पाय अथ दुहते अथवा मद्भिस्नेहा भवत्यो यन्त्रदासया आगता युवन्नम अप्रियै मयि जन्तव। गोपी भगवान ने कहा महाभाग्यवती स्वागत है क्यों आई हो। गोपियों के दिमाग खराब हो गए, बोले अभी तो बंसी बजा करके खुद ही बुला लिया, बोले अब कह रहे हो क्यों आई हो। तो गोपियों ने क्या गोपियों सब बोले अरे अपने पतियों की सेवा करो, पति कैसे भी हो रोगी हो कैसा भी हो पर पतियों की सेवा करो। गोपियों ने टेढ़ी टेढ़ी नजरों से देखा, बोले पहले तो बंसी बजा करके बुला लिया, हमारे परम पति तो आप ही है। गोपियां नीचे देख करके गोपियां रुष्ट हो गई। इति विप्रेनमाकन्य गोप्यो गोविंद भाषितम। उसके बाद भगवान ने सबसे पहले रास किया, पहले महारास नहीं किया, केवल भगवान ने पहले रास किया है। जब भगवान ने पहले रास किया है तो क्या हुआ, भगवान ने रास किया तो गोपियों के मन में अहम आ गया, मद आ गया। इसको चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं मदश्च मद चंचल एव च। गोपियों में मद आ गया, इसलिए गोविंद ने सोचा जिनके हृदय में मद है क्या तो मैं टिकूंगा क्या मद टिकेगा, इसलिए भगवान गोपियों को छोड़ करके चले गए। राधा जी के साथ लेकर के राधा जी को अपने साथ लेकर के गोपियों को छोड़ करके चले गए। परंतु तत्रैवांतर धीयते उसी समय भगवान चले गए राधा रानी को साथ लेकर के। लेकिन फिर राधा रानी को भी छोड़ा, क्यों, क्योंकि राधा जी जानती है कि भगवान का दर्शन होगा यदि गोपियों के तो मेरी कृपा से होगा। इसलिए आप लोगों ने सुना है ना ब्रजवासी पूरी गोपियों की यूथ ने सब लोगों ने श्री गोपी गीत का पाठ किया है। गोपी गीत का पाठ किया है जयति ते धिकम
भगवती बोली कि भाई मुझे तो टेम्परेरी नहीं, इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती,
करके विशाखा जी ने देखा, देखा विशाखा जी ने सुंदर लहंगा फरिया उड़ा हुआ है, सुंदर लहंगा पहना हुआ है, सुंदर हाथ में कंकड़ बंधे हुए हैं, सुंदर कुंडल है, सुंदर नैनों में काजल है, सुंदर 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 कंठ का हार है, लेकिन उसके साथ देखा कि तुर्रादार मूछ भी सुशोभित हो रही है। जोर से बोली विशाखा जी की, लालजू ये ना कोई है, ना कोई घेवर वन से आई है, ना नंदगांव से आई है, ना बरसाना से आई है, ना मथुरा से आई है, ये तो कैलाश से कैलाश बिहारी चले आए हैं, गोपेश्वर महादेव की साक्षात आए हैं, परंतु रास में प्रवेश नहीं मिला, क्योंकि एकमात्र एकमात्र पुरुष पुरुष एकमात्र कृष्णो इति गच्छतः, एकमात्र श्री कृष्ण ही उनको बाहर कर दिया। इस कारण से रास लीला, फिर उसके बाद भगवान ने रास किया है, भगवान ने रास किया है, पहले भगवान ने सब गोपियों को संतुष्ट करके यह रास किया है। भगवान ने जब रास किया है, रास करने के बाद सारे के सारे भगवान ने सारे सबको आच्छादित किया है रास करके। ये तो बहुत जल्दी जल्दी खींची है क्योंकि समय का अभाव है, वरना बहुत सुंदर है श्री रासलीला। रासलीला भगवान रसिक शेखर हैं और श्री राधा रानी रसिका रसिका रसिकों की जो नित्य ईश्वरी हैं, वे रास बिहारिणी श्री राधा रानी हैं। इन दोनों युगल चरणारविंदों में बार बार प्रणाम करता हूँ, गुरुदेव को बार बार प्रणाम करता हूँ। वांछा कर भगवान रास के बाद जब बीच में अंतर ध्यान हो गए अच्छे से बोला तो तुलसी जी से यमुना जी से गोपियां बाद में भगवान ने रास रचा गोपियों के साथ।
जितने जोर से गिरिराज की जय देगा उसको उतना ही जय होगा। बोले गिरिराज महाराज की जय हो। बोले पूछनी के लौटा की जय हो। आज हम लोग श्री गिरिराज गोवर्धन की हम कथा श्रवण करेंगे। ये जो गिरिराज गोवर्धन है कहीं ये कोई पहाड़ नहीं है। बोले एक समय वृंदावन में श्री कृष्ण बांके बिहारी राधा रानी से बोले बोले देखो अगर मैं क्या करूंगी। तो कृष्ण बोले देखो राधे ये गोलोक वृंदावन में जो कुछ देख रहे हो जब मैं ये मरते जगत में जाऊंगा ये पूरा के पूरा ये गिरिराज गोवर्धन को मैं उतार लूंगा। तब तो राधा रानी बोले ठीक है फिर तो मैं चलूंगी। इसका तात्पर्य है ये जो गिरिराज गोवर्धन है ये इस जगत का कोई वस्तु नहीं। ये गोलोक वृंदावन से जितना ये यमुना पटरानी बह रही है निधुवन निकुंजवन नंदगांव बरसाना ये सब के सब गोलोक वृंदावन से ही ये मर्त्य जगत में प्रकट हुए हैं। इसलिए जिस समय ये गिरिराज गोवर्धन गोलोक वृंदावन से कहां पर कहते द्रोण और धरा इनको अपना पिता माता बना करके जब गिरिराज गोवर्धन सांबल द्वीप में प्रकट हुए देवता लोग प्रसन्न होकर के श्री गिरिराज गोवर्धन को ऊपर में स्वर्ग से पुष्पों की बौछार की। बोले गिरिराज बाबा की जय। ये एक कथा है श्री गिरिराज कैसे प्रकट हुए। अभी प्रश्न ये गिरिराज है को बोले ये गिरिराज को कोई पत्थर मत समझो लिखी अलग अलग कथा आती है। इनकी तीन स्वरूप बताई गई। एक समय ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों कठोर तपस्या की ठाकुर जी कृष्ण की। जब भगवान कृष्ण संतुष्ट हुए बोलो क्या चाहते हो। बोले हे प्रभु हम ब्रज में जन्म लेकर के आपकी चरण की सेवा करना चाहते हैं। बोले बताओ किस रूप में जन्म लेना चाहते हो क्या मेरे सखा सखी रूप में। बोले नहीं 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 हम इतने कहां सौभाग्य की आपकी सखा सखी बने। बोले कोई पशु पक्षी रूप में। बोले नहीं नहीं बोले फिर। बोले अगर ब्रज में श्री पहाड़ रूप में जन्म लेंगे आप हमारे स्वर्गों पर लीला करे आपका अगर चरण स्पर्श मिले हमारे जीवन धन्य हो जाएगा। देखो ये ब्रज की महिमा देखो क्या है। स्वयं ब्रह्मा जी ये जो बरसाना है ना ये बरसाना नहीं ये ब्रह्मा जी ये ब्रह्माचल पर्वत रूप में प्रकट हुए। जो नंदगांव है वो नंदगांव नहीं ये नंदीश्वर महादेव स्वयं शंकर जी। और जो गिरिराज गोवर्धन ये कौन है। बोले ये भगवान विष्णु स्वयं ये भगवान विष्णु स्वामी जी एक रूप है। बोले गिरिराज की दूसरा रूप क्या है। बोले ये गिरिराज की कोई पहाड़ नहीं ये साक्षात भगवान बांके बिहारी। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ये रघुनाथ दास गोस्वामी को उन्होंने दो चीज दी थी। एक तो गिरिराज शिला और एक गुंजा माला। बोले रघुनाथ ये जो गिरिराज शिला में दे रहा हूँ ये गिरिराज शिला नहीं ये कृष्ण है। जो गुंजा माला दे रहा हूँ वो गुंजा माला नहीं ये स्वयं श्री किशोरी जो राधा रानी। इसलिए कृष्ण एक स्वरूप में तो पूजा करवाए और दूसरे स्वरूप में गिरिराज रूप में स्वयं पूजा को ग्रहण किया स्वयं स्वयं को ठाकुर जी पूजा किए ये इनका दूसरा स्वरूप। बोले इनका तीसरा स्वरूप क्या है। तब राधा रानी कहती हैं बोले हंताय अद्रिय बला हरिदास वर्ज जत राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। ये राधा रानी खुद कहती हैं ये गिरिराज गोवर्धन नहीं ये कौन है। बोले हंताय अद्रिय बला हरिदास वर्ज ये भगवान की सबसे बड़े सेवक श्री गिरिराज। बोले तीन हरिदास है एक श्री युधिष्ठिर महाराज हरिदास हरिदास बर श्री उद्धव जी और सर्वश्रेष्ठ जो हरिदास है कहते श्री गिरिराज गोवर्धन। बोले कारण किया बोले प्रमद मदन लीला कंदरे कंदरते रचे अति नवजो न द्वंदम अस्मिन मंदम। कहते कृष्ण ये गिरिराज गोवर्धन की कंदरा कंदरा में इनकी कुंज कुंज में कृष्ण लीला की है। इसलिए इनके नाम है गोवर्धन। गोवर्धन मतलब क्या है। गो मतलब होता है इंद्रियां वर्धन मतलब होता है सेवा करना। ये कृष्ण गोचारण कहाँ पर करते हैं बोले गिरिराज गोवर्धन में। गैया घास खाते हैं बोले गिरिराज गोवर्धन में।
पानी कहाँ पीते हैं सुंदर झरना से, हैं जैसे हम ठाकुर जी को पंचामृत से ठाकुर जी को अभिषेक करते हैं, ये गिरिराज गोवर्धन भी, ये पंचामृत ये गिरिराज गोवर्धन भी उपलब्ध है। जैसे चीनी वहां पर बड़े सुंदर सुंदर गने हैं, जैसे मधु बड़े सुंदर वहां पर मधुमक्खी छता बनी हुई, जैसे दूध गैया घास खा करके दूध देते हैं, दूध से दही और दही से क्या बनती है घी। इसलिए मानो ये गिरिराज गोवर्धन ये भगवान की पंचामृत से कृष्ण की स्नान कराते हैं, भगवान की अभिषेक कराते हैं और वहीं पर सुंदर सुंदर फल मिलता है, सुंदर सुंदर फूल मिलता है। राधा रानी वहां पर कुसुम सरोवर गिरिराज में सुंदर सुंदर फूलों की माला से कृष्ण को वो श्रृंगार करती थी। राधा रानी जैसे कोई व्यक्ति आपके घर में आए आप क्या करोगे, पहले उनको चरण धुलाओगे, वहां पर गिरिराज गोवर्धन में सुंदर झरना कृष्ण उसमें चरण धोते हैं, फिर उसको बैठने देंगे वहां पर रत्न वेदी, जब हम गोवर्धन जाएंगे हम दर्शन करोगे वहां पर रत्न वेदी है जहाँ पर कृष्ण बैठते थे, है जहाँ पर सखा लोग उनको अभिषेक करते थे, बड़े सुंदर जैसे ठाकुर के चरण में हम फूल से द्वारा पूजा करते हैं, ये गिरिराज गोवर्धन भी ये कृष्ण की सुंदर ये पूजा करती है गिरिराज गोवर्धन। इसलिए जो गिरिराज गोवर्धन कौन कौन गिरिराज गए हाथ उठाओ तो, जोर से हाथ उठाओ कौन कौन गए। हाँ देखो अभी प्रश्न है ये गिरिराज ये पत्थर क्यों बने हुए। गुरुदेव कहते थे दो तीन कारण गुरुदेव कहते थे। पहला कारण कहते थे अगर हम जैसे हम बाथरूम में स्नान करते हैं हमें पता है ये बाथरूम ये पूरा पत्थर से बना हुआ टाइल से बना हुआ ये जड़ है, अब देखना जैसे हम चाहते हैं वैसे हम स्नान कर लेते, उनको पता है ये जड़ इसको तो कुछ दिखता नहीं। उसी तरह गिरिराज ने देखा अगर मैं प्रकट रूप में रहूंगा तो ठाकुर जो कुंज कुंज में उनकी कंदरा कंदरा में जो लीला ये संभव नहीं है। इसलिए गिरिराज ने क्या किया उन्होंने पत्थर रूप में धारण कर लिया। दूसरा कारण जब कृष्ण गोचरण के लिए जाते हैं कृष्ण का चरण स्पर्श होते ही कद आठ तरह का कृष्ण प्रेम का विकार उसमें एक है स्तंभ, मतलब एकदम जड़ जैसे हैं कृष्ण प्रेम में जड़ बन जाते हैं। इसलिए कृष्ण का चरण स्पर्श पा करके गिरिराज ने ये जड़ जैसे बना हुआ श्री गिरिराज। आप देखना और किसी जगह का पहाड़ का कोई पत्थर लो आप उसमें हाथ लगा करके देखना वो खसखस लगता है, लेकिन आप गिरिराज का कोई भी एक टुकड़े को उठा करके देखा हो आप खसखस नहीं दिखेगा। आप जैसे कोई घी से जैसे उनको स्नान कराते घी को द्वारा आप देखो बड़े मुलायम दिखेगा। इसलिए गिरिराज में देखना हर पहाड़ उसका सर ऊंचा रहता है, लेकिन आप गिरिराज में जा करके देखना जैसे पिघलता हुआ स्वरूप है गिरिराज की। क्यों भगवान जब वहां गोचरण करने जाते हैं भगवान का चरण स्पर्श पाकर गिरिराज जी ये स्वयं पिघला हुआ स्वरूप श्री गिरिराज गोवर्धन। बोले श्री गिरिराज गोवर्धन की जय। इसलिए गुरुदेव कहते थे ये जो गिरिराज गोवर्धन ये सर्व अभीष्ट प्रदाता ये सारे इच्छाओं को पूरी करने वाले गोवर्धन, इसलिए इनका नाम है गोवर्धन। बोले गोवर्धन नाम क्यों पड़ा, बोले गो मतलब होता है इंद्रिया, वर्धन मतलब सेवा करना है। ये गिरिराज ने क्या सेवा की, बोले जिस समय इंद्र ने बारिश बरसाया भगवान कृष्ण ने कनिष्ठ अंगुल को ऊपर में उन्होंने श्री गिरिराज को धारण कर लिया, जितने ब्रजवासी सब के सब गिरिराज की तलहटी में गिरिराज को नीचे आश्रय लिया। अब विशेष करके कृष्ण चाहते थे रासलीला करना, लेकिन अकेले तो रास कर ही नहीं सकते हैं, ब्रज गोपी के बगैर रास नहीं कर सकते हैं। इसलिए उदाहरण देते हैं जब कोई हीरो किसी हीरोइन को आकर्षण करता है वो क्या करता है, वो हीरोइन को सामने वो अपना बहादुरी दिखाता है और बहादुर देख करके वो हीरोइन अपने आप आकर्षण हो जाते हैं। इसलिए कृष्ण ने जब ये गिरिराज गोवर्धन धारण किया कितने उम्र में धारण किया था, जोर से बोलो 7 साल में। कितना दिन धारण किया था, 7 दिन। कितने उम्र में, 7 उम्र में, 7 करोड़ 7 दिन तक हैं। इसलिए भगवान कनिष्ठ अंगुल को पर भगवान ने धारण कर लिया श्री गिरिराज गोवर्धन। ब्रज गोपियां जब देखा कृष्ण की बहादुर बोले बाबा रे ये तो बड़ा बलवान है।
इसलिए ये ब्रज गोपियां अपने आप कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो गए। इसको बाद में भगवान ने फलिए रास रचाए ठाकुर जी। इसलिए ये जो गिरिराज गोवर्धन है, कहते इनकी दो कथा आती है, ये गिरिराज गोवर्धन कैसे प्रकट हुए। एक कथा आती है, एक समय श्री पुलस्त्य ऋषि भ्रमण करते करते सालमल द्वीप में गए और वहां पर ये गिरिराज गोवर्धन को देखा, बड़ा सुंदर। द्रोण और धरा, धरा मतलब पृथ्वी, द्रोण मतलब द्रोणाचल पर्वत, इनके बेटे रूप में गिरिराज प्रकट हुए थे। हर तरह का फल फूल झरना, हाँ वहां पर तालाब, बड़ी सुंदर गिरिराज गोवर्धन। इसको देख करके पुलस्त्य ऋषि तो मुग्ध हो गए, बोले अगर ये गिरिराज किस तरह से मैं यहाँ से उठा करके ले जाऊं, कहाँ ले जाऊं, बोले काशी में ले जाऊं, फिर तो संत लोग बैठ करके साधन भजन करेंगे। इतने में उन्होंने श्री द्रोण और धरा को बोले, आपके बेटा को मैं लेना चाहता हूँ, अगर आपके घर में कोई आए बोले आपका बेटा दे दो, दे दोगे बेटे को? बोलिए ऋषि बेटा मांग रहे हैं। उन्होंने देखा अगर मैं नहीं दूंगा तो ऋषि बिगड़ जाएगा, अभिशाप दे सकते हैं। बोले भैया बेटे को ही पूछ लो, जाएगा कि नहीं जाएगा उसको पूछ लो। बोले गिरिराज मेरे साथ में चलो। बोले कहाँ? बोले काशी, क्योंकि काशी वहां आपको मरुभूमि स्थान था। बोले अगर वहां पर जाएगा तो संत लोग बैठ कर भजन करेंगे, लेकिन वहां पर जितने संत हैं सब ब्रह्मवादी है। ब्रह्मवादी मतलब क्या? ये भगवान को सबके सब निराकार मानने वाले हैं, भगवान के साकार को ये लोग नहीं मानते, निराकार मानते हैं। इसलिए बोले वहां चलो। गिरिराज दुखी हो गए, बोले काशी मेरे को फांसी लगाने ले जा रहा है, क्योंकि जो मुक्ति है वो एक तरह का सुइसाइड है ये मुक्ति। इसलिए भक्त लोगों को भगवान ने कहते दियमान बिना गृह्णति मत सेवक मत सेवना बिना, अगर मैं भक्तों को मुक्ति देना चाहता हूँ, मेरे भक्त बोलते नहीं प्रभु हम मुक्ति नहीं चाहिए, हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें तो आपकी चरण की सेवा ही चाहिए। इतने में गिरिराज बोले देखो दो शर्त पर जा सकता हूँ, पहला शर्त है चल करके नहीं, मेरे को उठा करके ले जाना पड़ेगा। दूसरी शर्त है अगर बीच में मेरे को कहीं रख लिया ना, फिर उठूंगा नहीं। वो तो बड़े पराक्रमी थे हैं, उन्होंने तो पूरा एक हाथ से अपना जोग बल से गिरिराज पर्वत और उठा करके ले करके आ रहे थे। अभी जहां पर गिरिराज गोवर्धन जब उन्होंने वहीं पर आए वृंदावन में, बोले ठाकुर जी मैं तो गोलोक वृंदावन से तुम्हारी सेवा करने के लिए यहाँ आया, ये कहाँ मेरे को काशी ले जा रहा है, अपना चरण में मेरे को स्थान दे दो। जब उन्होंने प्रार्थना की ना, इतने जोर से उनको लघु संख्या लगी, उन्हें रोक नहीं पाई, सबके सब भूल गए मैंने क्या प्रतिज्ञा लिया था। और उन्होंने गिरिराज गोवर्धन को वहीं रख करके, जब उन्होंने बाथरूम के लिए गए ना, बाथरूम खत्म नहीं हो, वो घंटे तक बैठे बाथरूम में, खत्म नहीं हो भगवान की माया। बाथरूम करके जब हाथ पैर धो धा करके अपना संध्या नहीं करके गिरिराज को उठाने के लिए गए, गिरिराज तो टस से बस भी नहीं हुए। बोले गिरिराज उठो, बोले आपने क्या प्रतिज्ञा की थी, बीच में मेरे को रखोगे नहीं, अगर अपवित्र हो जाओगे तो मेरे को स्पर्श नहीं करोगे, यहाँ घंटे तक बैठ करके बाथरूम किए हैं, मेरे को बीच में उतार दिया और मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। बोला अगर तू नहीं जाओगे ना, तेरे को मैं अभिशाप देता हूँ, तू टुकड़े टुकड़े हो जाओगे और तीन तीन रोज रोज तीन तीन तुम खड़े होते जाओगे। गिरिराज ने कहा मुनिवर हम तो इसलिए यहाँ रहना चाहता हूँ, ठाकुर जी आएंगे द्वापर युग में, उनकी चरण की सेवा के लिए, अगर मैं खेह हो गया टुकड़े टुकड़े हो गया तो मैं ठाकुर का सेवा कैसे करूंगा। एक ही काम करो, जब तक ठाकुर जी आकर के लीला करके नहीं चले जाते तब तक मैं पूर्ण शरीर में रहूं, जब ठाकुर जी लीला करके चले जाए ना फिर आपकी अभिशाप हमारे ऊपर में लागू हो। उन्होंने तथास्तु बोल दिए। कभी जो गिरिराज गोवर्धन इतनी ऊंचाई थी, कभी 64 मील तक कहती उठा, इसलिए इनका नाम गिरिराज। गिरिराज मतलब क्या? जितने पर्वतों में सबसे बड़े पर्वत, हम कहते ना हिमालय पर्वत एवरेस्ट पर्वत नहीं, कभी गिरिराज इतने राधे गोविंद। जय गिरिराज जय जय गिरिराज।
महाराज की इतने में बोले तथास्तु बोल दिए हैं। इसलिए आप देखो गिरिराज, आप देखना वो टुकड़े टुकड़े गिरिराज गोवर्धन है, टुकड़े टुकड़े, क्योंकि ये पुलस्त ऋषि के अभिशाप से और ये तिल 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 क्षय होते जा रहे हैं। जब ये घोर कलयुग आएगी ना, आएगी, देखना जो यमुना बह रही है, यमुना नदी भी नहीं रहेगी, जो गंगा में पानी बह रही है, गंगा का पानी भी नहीं रहेगी। ये गिरिराज गोवर्धन धीरे 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 नीचे चले जाएगी और उस समय घोर कलयुग आएगा। लोग आपस आपस में मार पीट, हाँ, दंगा लड़ाई, हाँ, सो हाहाकार मच जाएगी। इसलिए क्या करो, ये जीवन पार करके जितने जल्दी से जल्दी हो भजन करो और ये संसार से सबके सब चले जाओ, नहीं तो घोर कलयुग आएगा तो बड़ा पाप होने वाले ये कलयुग में। अभी धीरे 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 कलयुग अपना रूप भी धीरे 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 कलयुग को बदला रहे हैं। देश देश में लड़ाई, भाई भाई में लड़ाई, पड़ोस में लड़ाई, सब जगह में एक दूसरे देश को धमकी दे रहे हैं, एटम बम फेंक देंगे। इसलिए क्या करो, जितना जल्दी हो भगवान की भजन करो और संसार से ठाकुर जी को पास में अपना घर में चले चलो। बोले गिरिराज महाराज की। इसलिए एक दिन भगवान कृष्ण देखा मैया रात भर लड्डू कचौड़ी मालपुआ बड़े सुंदर पकवान बना रही थी। कृष्ण बोले मैया मैया ये रात भर क्यों ये सब चीज बना रही हो, क्या कल मेरी जन्मतिथि है? बोले नहीं। बोले क्या दाऊ भैया का जन्मतिथि? बोले नहीं। बोले पे ये सब क्यों बना रही हो? बोले जा पिताजी को पास में जाकर के पूछ। अभी पिताजी को पास में गए और गोद में बैठ करके दाढ़ी पकड़ लिए। बोले बाबा बाबा ये मैया रात भर इतने पकवान क्यों बना रही है, ये कौन है, क्यों, किस लिए उनको पूजा की जाती है? कृष्ण ऐसे ऐसे प्रश्न करने लग गए ना। नंद बाबा को पता चला कृष्ण कुछ नटखट करना चाहते हैं। अभी कृष्ण का उम्र 7 साल 2 महीना के हो गए, लेकिन ये गिरिराज ये जो इंद्र की पूजा ये तो हर साल में कृष्ण देख ही रहे हैं, लेकिन अभी फिर क्यों वो पूछ रहे हैं, ये कौन देवता, क्यों पूजा कर रहे हो, पूजा से क्या होगा, इतने प्रश्न क्यों कर रहे हैं? बोले कारण है कृष्ण स्वयं ये गिरिराज की महिमा को कृष्ण दिखाना चाहते थे, हैं? इसलिए उन्होंने ऐसे ऐसे प्रश्न की ना। नंदबाबा बोले देख बेटा हम इंद्र को पूजा करके, क्योंकि जो इंद्र के स्वर्ग के राजा इनके अधीन में ये परजन मेघ है, उनको आदेश से ये बारिश होता है, बारिश होने पर घास उगता, घास गैया खा करके दूध देते हैं और दूध ही हमारा मेन भोजन, उससे मिठाई, उससे दही, उससे घी, मक्खन, सब कुछ दूध से होता है, इसलिए हम लोग इंद्र पूजा करते हैं। कृष्ण क्या युक्ति तर्क दिए, बोले ये जंगल क्या है कृष्ण इंद्र पूजा करता है, वहां बारिश क्यों होता है, और ये समुद्र क्या इंद्र पूजा कर रहा है, वहां पर क्यों बारिश होता है? कृष्ण ऐसे झूठी तर्क देने लग गए। नंद बाबा तो चुप हो गए। बोले ये कैसे कैसे प्रश्न करता है? बोले पिताजी ये जो गिरिराज गोवर्धन देख रहे हो ये ब्रज की देवता यही है,
क्योंकि ये हरा भरा गिरिराज गोवर्धन, जहाँ हरा भरा हो देखना मेघ को वो आकर्षण करता है, और गिरिराज बड़ी ऊंचाई थी और मेघ आकर के टकराता है ये गिरिराज गोवर्धन में और ये बारिश भी होता है। बोले पिताजी ये फल मूल हमें पानी कहाँ मिलता? बोले गिरिराज से। बोले गैया घास कहाँ खाते? बोले गिरिराज से। बोले जब सब कुछ जब गिरिराज से हमको मिलता है, फिर हम ये गिरिराज को क्यों पूजा नहीं करें? पिताजी हमारी गिरिराज ब्राह्मण और ये गैया ये हमारी प्रत्यक्ष देवता है, इनकी हमें पूजा करनी चाहिए। बोले पिताजी ये बताओ कितने साल से इंद्र पूजा कर रहे हो? बोले जब से होश आया। बोले जब आप उनको भोग लगाते हो कभी देखा हो भोजन करते हुए? बोले नहीं। बोले पिताजी जिसको देखा है नहीं भोजन करते हुए, फिर इनको क्यों पूजा करोगे? जो प्रत्यक्ष देवता गिरिराज को पूजा करो ना। बोले पिताजी जब आप गिरिराज गोवर्धन की पूजा करोगे, ये स्वयं प्रकट होकर के आपको दर्शन देंगे। आप निश स्त्री पुत्र परिवार धन दौलत जो कुछ मांगोगे ये गिरिराज समस्त इच्छा को पूरी करेंगे। बोले लाला इन्हीं आंखों से ठाकुर दर्शन होगा? बोले हाँ पिताजी प्रत्यक्ष रूप में गिरिराज को दर्शन करोगे। बोले लाला इन्हीं आंखों से तो हम कभी देवता देखो ही ना, जरूर हम गिरिराज की पूजा करेंगे। बोले जाओ ढिंडरा पिटवा दो ब्रज में, कल इंद्र पूजा नहीं कल श्री गिरिराज गोवर्धन की हम पूजा करेंगे। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। जब ब्रजवासियों ने उनको पता चला कल श्री गिरिराज स्वयं प्रकट होकर के दर्शन देंगे, हैं जो एक किलो का बना रहा था लड्डू बेसन का, बोले 2 किलो गिरिराज के लिए 2 किलो बनाएंगे। जो 2 किलो का हलवा बना रहे, बोले हम 5 किलो बनाएंगे। हैं जो तरह तरह का वहां पर कहते 2 तरह का तो कढ़ी बनवाए, कहते एक राड़ कढ़ी और एक सुहागिनी कढ़ी। सुहागिनी जिसमें पकौड़ा डाल करके बनाते हैं, राड़ बिना पकड़ के जो कढ़ी है। 2 तरह का चूरमा बनाए, राजस्थान से कोई है हाथ उठाओ? हाँ, तो दाल बाटी चूरमा बनाए, 2 तरह का चूरमा, एक हंसना और एक रोना। हंसना मतलब जिसको पतल में रखते ही खिल जाए, रोना मतलब जिसे घी टपकता है। हैं कुल 4 तरह का तो चावल बनवाए, एक नमकीनी चावल, एक मीठा चावल, एक मटर पनीर और एक है, कहते एक फीका चावल, 4 तरह का। और कितने तरह का दाल बनवाए, मूंग की दाल, अरहर की दाल, मटर दाल, छोले दाल, कितने तरह का बनवाए और इतने सब भोजन लेकर के आए ना, इसलिए उसका नाम पड़ गया अन्नकूट। कूट मतलब होता है पर्वत, छलेंगी पर्वत, रसमलाई की पर्वत, समोसा की पर्वत, मालपुआ की राबड़ी की पर्वत, राबड़ी का पर्वत होता है, इसलिए उन्होंने इसलिए उसका नाम पड़ गया अन्नकूट। ब्रज में कितने गांव? बोले 365 गांव, अभी भी गिनोगे ना, ब्रज में 365 गांव अभी है। तरली बरौली सही ऊंचा गांव, नीचा गांव, नंदगांव, बरसाना, बैठान, आप अभी भी गिनोगे ना ब्रज में अभी भी 365 गांव मिलेगा। इतना भोजन लाए, पूरा गिरिराज भर गया बर्तन में। बोले भैया एक काम करियो, जो अलग अलग गांव से आए ना सब अलग अलग रखो, नहीं तो बर्तन को लेकर लड़ाई होगी, ये हमारी वो हमारी है, हैं सब अलग रखो। पूरा गिरिराज एकदम खाने में बन गया, भर गया। इतने में कृष्ण स्वयं पंचामृत के द्वारा पुरुष सुप्त मंत्र देकर के उन्होंने गिरिराज को उन्होंने अभिषेक करवाया। अभिषेक करके इतने में ही बोले भैया पानी ले आओ स्नान करके, एक लोटा गंगा पानी का डाल दिया तो उनका कैसे ही नहीं भीगा। बोले भैया और पानी ले, बोले तालाब का ना नदी का, बोले नहीं गंगा पानी में ठाकुर का स्नान होनी चाहिए। ब्रजवासी बोले भैया हमारे इंद्र ही अच्छे थे, किसी पानी में स्नान करा दो तेरे ऐसे ठाकुर गंगा पानी के बगैर नहाएंगे नहीं। बोले भैया हमारा तो गिरिराज हमारे तो इंद्र अच्छे थे। बोले देखो तभी तेरे ठाकुर को ठाकुर मानेंगे अगर ये गंगा को प्रकट कर दिया। बोले चिंता क्यों करते हो, आंख बंद कर सबके सब, आंख बंद करके बोले मन मन में गंगा को स्मरण करो और वहां पर साक्षात मानसी गंगा प्रकट होगी। बोले श्री मानसी गंगा की जय। सुवानंद प्रभु भोग लगा रहे कि नहीं? हाँ भोग लगाओ ना, हाँ उनको तुलसी पत्ता देकर भोग लगाओ, सब चीज में तुलसी पत्ता दे करके ठाकुर जी को आसन, चरण में फूल, ठाकुर जी का आचमन दे करके बोले इदम सहृद नैवेद्य उपकरणम श्री गिरिराजाय स्वाहा। जब उन्होंने गिरिराज को आह्वान किया ना, सचमुच से सब के सब देख रहे थे
गिरिराज विशाल रूप लेकर गिरिराज प्रकट हुए, आकाश को स्पर्श कर रहे थे, इतने विशाल रूप था गिरिराज को। गिरिराज स्वयं कह रहे हैं, मैं स्वयं गिरिराज गोवर्धन हूं। आज का दिन ये अन्नकूट का दिन, बोले आज का दिन मेरी सेवा में एक अन्न का दाना जो भोग लगा दिया, मैं आशीर्वाद देता हूँ किसी जीवन में, बोले एक जीवन में, गिरिराज स्वयं कहते हैं, किसी जीवन में तुम्हारी घरों में अन्न वस्त्र की कभी अभाव नहीं पड़े, माँ लक्ष्मी तुम्हारे घर में भरपूर रहेगी। ये जीव गोस्वामी की बात को कहते हैं, ये स्वयं उनके मुंह से निकली हुई ये वाणी है। इसलिए तब उन्होंने एकदम हाथ बढ़ा बढ़ा करके गिरिराज गोवर्धन खा रहे थे और मिनट में सब कुछ खत्म कर दिया। बोले आनो रे और ले आओ और ले आओ। ब्रजवासी बोले ठाकुर जी हम गरीब ब्रजवासी, आप इतने भी खुश रहो। फिर उनका तांबूल दिया, तालाब के तालाब उन्होंने पानी पी लिए। जब उन्होंने पानी पी लिया, तालाब का तालाब पानी पी लिया, इतने में कृष्ण सब कुछ खा लिए। सखा लोग बोले कन्हैया अगले साल से तेरे गिरिराज की और पूजा नहीं करेंगे। बोले क्यों? बोले इतने भूखे ठाकुर हैं, सब कुछ खा लिया, एक किनका भी रखा नहीं। जब हम इंद्र पूजा करते थे, अरे कम से कम सूखा प्रसाद को 15 दिन तक खाते थे, लड्डू और कचौड़ी को 15 दिन तक दे, इसे भूखे ठाकुर एक किनका भी नहीं रखे। भैया अगली बार तो हम इंद्र पूजा, हम तो इंद्र पूजा करेंगे, हमारे देवता बढ़िया। कृष्ण ने कहा भैया ऐसे गिरिराज को मत समझो, आंख बंद करो। आंख बंद किया तो गिरिराज जी अपना अपना हाथ घुमा लिया। हाथ फेराते ही जो 1 किलो रसगुल्ला लाए थे ना, हो गया 2 किलो। जो 2 किलो सूजी लाए थे, हो गया 4 किलो। जो 5 किलो का पूड़ी बनाकर 10 किलो हो गया, सब डबल डबल हो गया। मतलब क्या है, ठाकुर जी को भोग में लगाओ ना, कहते ना प्रसाद कभी कमी नहीं पड़ती है। ब्रजवासी तरस उठे, बोले ठग गए हम। बोले क्यों? बोले पता चलता अगर डबल डबल हो जाए ना, फिर और थोड़ा ज्यादा लेके जाते हैं, हम तो ठग गए सब के सब। कृष्ण ने कहा भैया चकाचक भोजन करो, चलो खाते पीते गिरिराज की गोवर्धन परिक्रमा लगाएंगे। जितने बड़े बूढ़ों को बैठा दिया बैलगाड़ी पर, और आगे कौन चल रहे थे? आगे चल रहे थे ब्राह्मण संत, वहां पर वर्णन आती। पीछे कौन चल रहे थे? जितने गैया, ये भी परिक्रमा लगाए। और उसको पीछे जितने पुरुष लोग, और सबसे पीछे जितने माताएं, और जो सबसे पीछे है ना, ये कृष्ण की सखियां चल रही थी, और सबसे जो पीछे चल रही थी ये राधा रानी। जब उन्हें परिक्रमा कर रहे थे, इतने में राधा रानी पीछे पीछे चल रही थी। राधा रानी सोच रही थी अगर कृष्ण सचमुच से मेरे प्रियतम होएंगे, मैं चाहता हूँ कृष्ण थोड़ी सी मेरे को स्पर्श करे। अभी कृष्ण तो बीच में, राधा रानी पीछे, अभी जा करके स्पर्श कैसे करे? कृष्ण तो राधा जी के हृदय की बात समझ गए। उन्होंने एक बछड़े को लेकर के ना, उसका मुंह पीछे करके इसे पूछ को एंड दिए, वो बछड़ा तो फुदकते हुए सीधा पहुंच गया पीछे। कृष्ण वो बछड़े को बहाना बना करके और पीछे पहुंचे और राधा रानी को स्पर्श कर लिया। राधा रानी तो प्रेम में गदगद हो गई, श्याम सुंदर मेरे हृदय की बात समझ गए। फिर जब और थोड़ी दूर गए, फिर राधा रानी सोच रही है अगर कृष्ण सचमुच से मेरे प्रियतम होंगे, एक बार उनको दर्शन करना चाहता हूँ। अभी उनको दर्शन कैसे दे? कृष्ण की जो गैया चरण का चरण चरण का जो लकुट थी ना, कृष्ण वो लकुट को उन्होंने ऊपर में फेंके, फेंक कर उन्होंने छलांग लगा करके उनको जो पकड़ने के लिए गए, इतने में राधा रानी का 2 हाथ आंख और कृष्ण की 2 आंख मिलकर के 4 हो गए। और कृष्ण का जो लकुट थी ना, उसमें हीरे जवाहरात से जड़े हुए थे। इसलिए कृष्ण जब उन्होंने ऊपर में की, इतने में कृष्ण का जो प्रतिबिंब वो लकुटी को ऊपर पड़ता था और राधा रानी का प्रतिबिंब पड़ता था, इसलिए वो प्रतिबिंब में ही उन्होंने श्री किशोर जी को दर्शन दिया। राधा रानी बड़ी प्रसन्न होकर के ये गिरिराज गोवर्धन सारे ब्रजवासी परिक्रमा की है। विश्व ब्रह्मांड बांके बिहारी को पूजा करता है, लेकिन बांके बिहारी किसको पूजा करते हैं? बोले गिरिराज की। विश्व ब्रह्मांड बांके बिहारी को परिक्रमा की, लेकिन बांके बिहारी किसको परिक्रमा लगाए? बोले श्री गिरिराज गोवर्धन। ये ऐसे, इसलिए ब्रज का जो प्रत्यक्ष देवता है कहती है श्री गिरिराज गोवर्धन है। बोले श्री गिरिराज बाबा की जय, जय श्री। हाँ देखो, जो कल है ये कथा की विश्राम का दिन, कल है कल कथा विश्राम होगी।
इसलिए कथा तो कभी समाप्त नहीं होता है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत है। लेकिन कल कथा को विश्राम का दिन है और हमारे अशोक प्रभु जी और भक्त लोगों ने कल भंडारा यहाँ पर होगी, बड़े सुंदर प्रसाद भी यहाँ पर होगा। इसलिए ये कथा के बाद में आप लोग जितने भक्त लोग आएंगे ना, सभी के लिए यहाँ पर प्रसाद की व्यवस्था होगी। इसलिए कल कथा के बाद में आप लोग यही प्रसाद पा करके सबके सब जाना और बढ़िया बढ़िया प्रसाद बनेगी, चिंता मत करो। बढ़िया बढ़िया पनीर का सब्जी बनेगी, और क्या बनाएंगे, खीर, रसगुल्ले, और क्या बनाएंगे ब्रह्म, बोल दो सबके सब। हाँ, मालपुआ, चटनी। इसलिए कल बढ़िया बढ़िया कल प्रसाद बनेगा। इसलिए कल आप लोग कथा के बाद में हम कोशिश करेंगे, हो सकेगा तो जल्दी थोड़ी कथा को विश्राम दे देंगे। जल्दी विश्राम दे करके कल प्रसाद सब लोग सब यही प्रसाद पा करके सबके सब जाना, ठीक है। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय हो। अब ये गाल ना प्रभु जी गाल, ठीक है। धरो Yeah।
Oh,
गोबर धरी